एक और बार सबको जय मसीह की। वचन की ओर आगे बढ़ने से पहले आप सबों को, खासतौर से भाइयों को, पिताओं को हैप्पी फादर्स डे। क्या बहनें अपने हाथों को भाइयों की ओर बढ़ा सकते हैं? तो क्या आप कह सकते हैं कि आप आशीषित हो, आप आशीषित रहोगे? स्वर्गीय पिता का प्रेम और उदारता से भरपूर हृदय आप में है, हम देखते हैं उसको। पिता का आदर, सम्मान और निस्वार्थ प्रेम आपके अंदर है, हम उसे देख सकते हैं। आप आशीषित हो। हैप्पी फादर्स डे। आमीन। और क्यों ना हम सब मिलकर खड़े हो जाएं और हृदय से धन्यवाद करें अपने आत्मिक पिता का। क्यों ना हम मिलकर उनका स्वागत करें और उन्हें विश करें, अगर दोनों आ सकते हैं। क्यों ना मिलकर कहें हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये जीवन में ऐसे अनुभव जो हैं और ऐसे शब्द इतने अधिक सुनने का आदि नहीं हूँ, लेकिन अब आदि हो रहा हूँ। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और सबसे बड़ा भेंट जो आप हमें दे सकते हैं वो है हृदय के तलहटी से उभरते हुए उस कुछ प्रार्थना बिछुए, आमेन, ताकि उसकी इच्छा हमारे जीवन में और हमारे द्वारा आप लोगों के बीच में पूरा हो सके। सो हम आप सबों के बहुत धन्यवादी हैं, हर एक उन बिछुई के लिए, प्रार्थनाओं के लिए, शब्दों के लिए। और जो कुछ ये आपकी तरफ से मैंने स्वीकारा, आपके सबकी तरफ से ये आपका प्रेम है, मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आमेन, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर पापाओं के लिए और पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए और इस दिन के लिए परमेश्वर, जहां हम अपने पिता परमेश्वर आपको हम स्मरण करते हैं और आपको परमेश्वर एक रोल मॉडल की तरह परमेश्वर हम देखते हैं पिता। और आज परमेश्वर यहां जितने पापा हैं और जितने पिता यहां उपस्थित हैं और जो परमेश्वर पिता या पापा होने वाले हैं, उन सबको परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। पिता परमेश्वर, हम मांगते हैं कि बहुतायत की अनुग्रह परमेश्वर, प्रभु जी, उनके ऊपर परमेश्वर आप बरसा दीजिए, ताकि परमेश्वर, प्रभु जी, जो जिम्मेदारियां परमेश्वर आपके वचन के अनुसार परमेश्वर, एक पिता होने के नाते, एक पति होने के नाते, प्रभु जी, जो कुछ भी परमेश्वर, प्रभु जी, आप चाहते हैं उस प्रकार से परमेश्वर बनने के लिए परमेश्वर, हम प्रभु उनके ऊपर परमेश्वर आपकी आत्मा की उपस्थिति, आपकी आत्मा की भरपूरी परमेश्वर आज परमेश्वर उनके ऊपर उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर। आज परमेश्वर जब यहाँ पे वचन की घोषणा किया जाता है पिता परमेश्वर, एक एक हृदय को स्पर्श कर दीजिए पिता परमेश्वर, प्रभु जी, उनकी, प्रभु जी, उनके जीवन में परमेश्वर हो सकता है कि प्रभु जी इतने समय में प्रभु कमी घटियां हुई होगी, आज परमेश्वर आपके पवित्र लहू से उन्हें धोकर शुद्ध कर दीजिए पिता, उनके हृदय परमेश्वर, प्रभु जी, आपके वाणी के लिए खुल जाने पाए पिता। और पिता परमेश्वर, वो वचन, वो बीज परमेश्वर उनके जीवन में परमेश्वर फलदायक होने पाए पिता। प्रभु, आपकी आशीष परमेश्वर उनके ऊपर मांगते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांग, ऐसा ही हो, आमेन। बोलो प्रभु यीशु की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप सबों का धन्यवाद, सबों का धन्यवाद, सबों का धन्यवाद। क्या कहूँ, अपने स्थानों को ग्रहण कर लें, बैठ जाएं। परमेश्वर आप सबों को बहुत अत्यधिक आशीषित और अनुग्रहित करे, उसकी महिमा आपके जीवन में, जीवन के द्वारा बहुतों के लिए प्रकट होने पाएँ।
मैं भी अपनी तरफ से जितने पिता लोग यहाँ बैठे हैं मैं उन सबों का स्वागत करता हूँ। आप सबों को बहुत बहुत बधाई। परमेश्वर ने जो किरदार, जो उत्तरदायित्व, जो पदवी आपको दी है वो बड़ी भारी है। वो हल्का जानने के योग्य नहीं है, वो बड़ा भारी उत्तरदायित्व परमेश्वर ने जितने पिता लोग बैठे हैं जो यहाँ पर आने वाले समयों में विवाहित होकर एक पिता की अवस्था में आगे बढ़ेंगे, आप सबों को परमेश्वर ने एक बहुत बड़े सौभाग्य की अवस्था दिया है। आमेन। और परमेश्वर आपको उस कार्य को पूरा करने के लिए एक ईश्वरीय सामर्थ्य और उसकी ईश्वरीय बुद्धि और क्षमता बहुतायत से परमेश्वर आपके जीवन में प्रदान करे, ताकि आप एक सफल पीढ़ी को अपने आगे तैयार कर सकें। आमेन। जो परमेश्वर के लिए योद्धा हों, जो इस संसार की गंदगी, बुराई, अश्लीलता उसको अपने जीवन के आसपास भी आने न दें। आमेन। और सब ने कहा ऐसा ही हो। आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। मेरे प्रियो, एक पिता होने से पहले एक व्यक्ति को एक पति के भाग को निभाना जरूरी है। जब उससे पहले उसका एक पति का रूप, एक रोल है, उसके बाद ही कहीं जाकर वो एक पिता के उस किरदार को निभा सकता है। लेकिन आज मैं जितने यहाँ पर इस फादर्स डे जो एक दिन लोगों ने एक दूसरे की प्रोत्साहन के लिए, अप्रिशिएशन के लिए ऐसे लोगों ने नियुक्त किया, मैं समझता हूँ अच्छा है। कम से कम वर्ष में एक बार माओं को, पिताओं को एक तरह से प्रोत्साहित करना, उनको स्मरण करना, धन्यवाद देना अच्छा है। आमेन। लेकिन आज के समय में एक पिता होना ये कोई एक सरल विषय नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत बड़ी कंपनी जिसमें हज़ारों लोग काम करते हों, एक बहुत प्रगतिशील देश हो, इन सब को चलाने के तुल्य वैसे उन सबसे बढ़कर, उन सबसे और अधिक जिसमें क्षमता चाहिए, कठिनाई समझ लो आप कुछ भी, वो है एक परिवार। एक परिवार को जो चला सके वो कुछ भी कर सकता है। वो रोल एक बड़े कंपनी या एक देश को चलाने से कम आपका भाग नहीं है। मेरे प्रियो, वो सरल नहीं है। इसलिए ये प्रिय पिताओं, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व दिया है। इस पृथ्वी पे, इस संसार में सबसे बढ़कर आज उसकी आवश्यकता है एक प्रभावशाली ईश्वरीय पिताओं का, जो स्वयं परमेश्वर के हूबहू उसके व्यक्तित्व, उसके शख्सियत को लेकर अपने परिवार को चला सके। ऐसे पिताओं की आज आवश्यकता है। कितने कहेंगे आमेन। लेकिन उस किरदार को, उस भाग को, रोल को निभाने के लिए जो उस व्यक्ति को सशक्त करता है वो है उसके हृदय के अंदर परमेश्वर के प्रति भययुक्त, आदरपूर्ण, उसके अंदर जो परमेश्वर का जो एक भय है, एक आदर है, भययुक्त आदर हम कह सकते हैं, जिसको रेवरेंशियल फियर बोलते हैं, उसकी गहराई जो जीवन में पाया जाए वो ऐसे उस व्यक्ति को एक गहरा, एक इतनी ऐसी एक सामर्थ्य की गहराई उसके जीवन के अंदर ऐसा क्रियाशील हो जाता है जो उसके आगे आने वाले हर एक चुनौती को आगे करते हुए वो एक उदाहरण बन के, एक नमूना बन के अपने परिवार को आगे चला सकता है। और आज जो हमें इस संसार में आवश्यकता है ऐसे उस परमेश्वर के भय और आदर से युक्त, सशक्त, बल पाए हुए पिताओं की हमें आवश्यकता है। आमेन।
तो भाई जो जितने बहन हैं और लोग परिवार के हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम बिछवाई कर सकते हैं विश्वास के साथ, उस रूप को उनके अंदर देखते हुए और इस बात का अंगीकार करते हुए कि वो इस रोल को पूरा करने के लिए सशक्त हैं, हम विश्वास करते हैं, तो तब हम जाके परमेश्वर के साथ उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं। आमेन। सो आज इस पिता जो फादर्स डे बोलते हैं, आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं एक और विषय आपको चिताना चाहता हूँ कि आप कितने अधिक महत्वपूर्ण हैं और कितना अधिक मायने रखता है आपका ये किरदार। आपका जो बल है, जो सामर्थ्य है हर परिस्थितियों के सामने, वो बहुत मायने रखती है, वो बेशकीमती है। आमेन। क्या आपका बल परिस्थितियों के विपरीत, जो एक पिता है उसका जो बल है, जो उसकी दृढ़ता है, वो बहुत अधिक कीमती है और मायने रखती है। और परिस्थितियों के बीच में, चाहे आप कितने भी कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन उस समय पर जो आपको बुद्धि परमेश्वर देता है, वो समझदारी बेशकीमती है, वो बहुत प्रभावशाली है और वो बहुत अधिक वो मायने रखती हैं परमेश्वर के सामने। और आपका जो प्रोत्साहन है आपके परिवार को आगे चलाने के लिए, सब उंगलियां बराबर नहीं हैं, कोई क्षीण हो सकते हैं, कोई कमजोर हो सकते हैं, कैसे भी अलग अलग इस परिवार को एकजुट होकर चलाना, आपकी प्रोत्साहन की आवश्यकता है। और आपका प्रोत्साहन परमेश्वर और मनुष्य की दृष्टि में बहुत अत्यधिक बेशकीमती है। सबसे बढ़कर, बोलिए सबसे बढ़कर, आपका प्रेम। क्या आपका प्रेम? और जो आपका प्रभाव उन लोगों के ऊपर जिसको परमेश्वर ने आपके हाथों में सौंपा है, मेरे प्रियो, वो प्रभाव जो परमेश्वर ने आपको सौंपा है अपने परिवार के ऊपर और आपके परिवार के द्वारा आपके इलाके के अंदर, मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने आपके अंदर वो अधिकार दिया है, वो बहुत सामर्थी है। बोलिए पिता लोग बोलें, जो अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है, जो प्रभाव दिया है, वो बहुत सामर्थी है। और वो सामर्थ्य जो है, वो प्रभाव, वो आने वाले कल को प्रभावित करता है और अनंत काल में भी वो प्रभावित करता है। क्योंकि आप आत्मा में, परिपक्वता में अपने परिवार को परमेश्वर के मार्गों में, उसके सत्य में प्रशिक्षित कर जब आप लिए चलते हैं, वो बहुत प्रभावशाली है। और सब ने मिलकर कहा ऐसा ही हो। इसलिए एक वचन के साथ मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, पहला कुरिन्थियों उसका 16वां अध्याय स्क्रीन पर लाएंगे, 13 और 14। पहला कुरिन्थियों 16वां अध्याय उसका 13 और 14 पद लिखा है, मेरे साथ बोलिए, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो। अब किसको बोलना है? अपने को बोलना है। आमेन। जो भाई लोग हैं, जो पिता हैं, जो फ्यूचर आने वाले और जो अभी हैं, अपने को बोलना है। बोलिए अपनी, जागते रहो। जागते रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? आंख बंद करना है, आंख खुला रखना है? आंख खुला रखना है। बोलिए हमारी दृष्टि हमेशा, हम सचेत रहेंगे, हमारी आंखें खुली रहेंगी। कौन सी आंखें? आत्मिक आंखें, वो समझदारी की आंखें, वो बुद्धि की आंखें जो परमेश्वर हमें प्रदान करता है। लिखो, विश्वास में स्थिर रहो। बोलिए विश्वास में दृढ़ रहो, विश्वास में स्थिर रहो। बोलो विश्वास में स्थिर रहेंगे। बोले हम अपने विश्वास को थामे रहेंगे। लिखा है पुरुषार्थ करो, मर्दानगी, पुरुषार्थ। किसके प्रति? किसके प्रति? कोई चुटिया पकड़कर घुमाने के लिए नहीं, हर दुष्ट के जो भी गलत प्रेरणाएं हैं उसको हम जीवन में धारण नहीं करेंगे। जैसे यीशु अपने कलीसिया से प्रेम किया, इसी रीति से हर पिता अपने परिवार के प्रति जागृत होगा। बोलो प्रभु यीशु की जय। और लिखा है बलवंत हो, बलवंत होते जाएंगे। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी, लोग कहते हैं कि थकते हैं, नहीं, आप बलवंत होते जाएंगे। कितने प्रिय भाई और पिता हैं जो मेरे साथ हाँ में हाँ मिलाते हैं। जैसे जैसे हमारे दिन, वैसे हमारा बल होगा। बोलो प्रभु यीशु की
जय। और क्या करना है, 14वें पद में क्या लिखा हुआ है, जो कुछ करते हो प्रेम से करेंगे। जो करते हैं क्या करेंगे, अगर बोझा भी ढो रहे हैं तो क्या करेंगे, प्रेम से। अगर समस्याओं का सामना भी किया तो प्रेम से। जिसका हमने किस्त नहीं भरा था, अगर वो भी विषय हमारे सामने आए तो भी हम प्रेम के साथ वह करेंगे, और अपने ऑफिस को, अपने काम के बोझ को हम घर में लाकर उनके ऊपर उड़ने वाले नहीं होंगे। हम सारी महिमा प्रभु को देते, बोलो प्रभु यीशु की। तो आप सबों का स्वागत है, थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत बधाई। आज के दिन आपके उस किरदार को, रोल को और परमेश्वर दृढ़ता से आपको आगे चलाए, और आप उसकी ईश्वरीय इच्छाओं को अपने जीवन के अंदर भरपूरी से पूरा कर पाएँ, ऐसा अनुग्रह परमेश्वर आपको प्रदान करे। और सब ने कहा ऐसा ही हो, बोलो प्रभु यीशु की जय, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो आप बैठे हुए हैं, आज हो सकता है प्रिय बहनों में, प्रिय भाइयों में ऐसे लोग हों जो आपको हृदय में, जो आप ठंडक ढूंढते हैं अभी तक ना मिला हो। पति होंगे, पिता होंगे, लेकिन जीवन के अंदर एक खालीपन, एक अभाव, उसकी पूर्ति या उसकी तसल्ली कभी तक, आज तक आपको महसूस नहीं हुआ। एक पितृत्व के उस प्रेम को या उस भाग को आपने नहीं पाया। लेकिन आज जब मैं यहाँ बैठा था परमेश्वर की उपस्थिति में, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, वो खालीपन आज परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। आमेन। आप जैसे आए वैसे आप जाने वाले नहीं हैं। आमेन। शारीरिक चंगाई, छुटकारा, वो तो आपके जीवन में वचन के चलते, आराधना के बीच में आपको पता भी नहीं चला हो गया। मुझे लगता है किसी के कुछ एक रसोली गोले ऐसी अवस्था शरीर में, वो भी आप ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं, वो चंगाई परमेश्वर ने दिया है। यहाँ आराधना में बीच में जो मेरे को लगता है, जो परमेश्वर जो ज्ञान का वचन दे रहा है, उसके अंदर ये है कि लिवर में भी जो समस्या थी उसके अंदर परमेश्वर ने चंगाई दी है। जाके जांच कर लेना, परमेश्वर ने चंगाई दी है। आंतों की समस्याओं को परमेश्वर दूर कर रहा है। आमेन। आप पाएंगे नहीं उसको, क्योंकि कोई झटका आपको नहीं लगा, कुछ नहीं, लेकिन आप जाकर देखेंगे, आप उसके अंदर चंगाई और छुटकारा आपको मिल चुका है। आमेन। आप जैसे आए उस रोग अवस्था में, उस दुख को, बोझ को लेकर नहीं जाएंगे, आप एक तितली के समान हल्केपन में यहाँ से आप जाएंगे, आप उसका वर्णन नहीं कर पाओगे, क्योंकि परमेश्वर का कार्य इतना महीन और इतना उत्तम और इतना सुंदर होता है। कितने और कौन कितने हैं जो कहते हैं मैं स्वीकारता हूँ, ग्रहण करता हूँ। आमेन। रिसीव। आमेन। सो परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मेरे प्रियो, आज का मेरा विषय जो है वो है पति और पिता। आमेन। तो एक पिता बनने से पहले एक पति का रोल है। आपको पता है कि पिछले बार जब मैंने वचन यहाँ पर दिया था, कुछ मैंने एक पत्नी, एक पति और पत्नी के रोल के बारे में बताया था। चार पति के बारे में बोला था, उसका रोल क्या है, और पांच पत्नियों के बारे में बताया था, विषयों को जो उनका जो भाग है वो क्या है, वो आप सबको ध्यान होगा। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या पृथ्वी के सतह पर, भौगोलिक जो ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स है, जो भौगोलिक जो सीमाएं हैं, वो यहाँ पर विषय नहीं है। किसी भी देश का नाम ले लीजिए, कभी भी है, उसमें सबसे बड़ी समस्या जो है परिवार जीवन में, इस पृथ्वी की सतह पे जो है, वो है ऐसे पुरुष, ऐसे स्त्री जो स्वयं धर्म त्यागी हैं, स्वयं अपने उत्तरदायित्व निभाने से जो भागते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप माता पिता यानी एक पिता के किरदार को निभाने वाले हैं, तो परमेश्वर ने जब कहा है कि पुरुषार्थ करो, बलवंत होते जाओ, वो है हमें सामना करने के लिए परमेश्वर ने रखा है। अपने पत्नी बच्चों को आगे करने के लिए नहीं, किसी विषय के सामने एक पिता का, पति का उसका रोल है,
वो आगे बढ़कर वो सामना करता है। और कितनों ने कहा आमेन, सबने कहा आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, तो वो जो उत्तरदायित्व नहीं लेते हैं अपने जीवन का, अपने परिवार का, सबसे बढ़कर एक पति, एक पुरुष जब विवाहिक संबंध में आगे कदम रखता है, कदम रखने से पहले उसको अपने मन के अंदर उसे पता होना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूं। आमेन। वो अपने घर के लिए एक सुविधा मशीन लेकर नहीं आ रहा है, परमेश्वर का ईश्वरीय एक उद्देश्य है बहुत भारी। तो हमें समझना है कि विवाहित जीवन या परिवार जीवन से जो परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, क्योंकि परिवार का जो विषय आइडिया जो है, वो विचार, वो विषय ना तो आदम को कभी आया ना और किसी को। आदम को नहीं पता था परिवार क्या होता है, उसको नहीं पता था कि पत्नी क्या है, उसे नहीं पता था कि मुझे एक मेल सहायक की ज़रूरत है। ये सब किसके मन के अंदर आया हुआ है, वो किसके हृदय से उजागर हुआ है? सृष्टिकर्ता के। आमेन। तो रचने वाले से बढ़कर हमारे विषय में जानने वाला और कोई है ही नहीं। तो मेरे प्रियो, ये मैंने कहा, जो पुरुष या कोई स्त्री जो अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझते हैं, वो क्यों है? परमेश्वर का उद्देश्य है कि जैसे स्वर्ग में वो है, उसी रीति से इस पृथ्वी पर जो उसने अपने लहू के खरीद जो अपने संतान हैं, वो उसी अधिकार में, उसी सामर्थ्य में, जैसे स्वर्ग में प्रभु है, परमेश्वर है, इस पृथ्वी पर उसी रीति से वो अपने प्रभाव को, अपने सामर्थ्य को यहाँ पर प्रकट करे। आमेन। वो एक बड़ा विषय, जैसा वो है ऐसा इस पृथ्वी के ऊपर उसके नियमों को, उसके विषयों को जो ईश्वरीय है, उसकी डोमिनियन को, अगर आप उसके उद्देश्य को देखना चाहते हैं, उत्पत्ति पहला अध्याय 26, 27, 28, जल्दी से स्क्रीन पर आप लाएंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया, वे समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षी, घरेलू पशु और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर हैं, क्या करेंगे? अधिकार रखेंगे। 27। अब देखिए यहां पे लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया। कैसे? नर और नारी करके उसने मनुष्यों की, यहां पर आप दो बात देखिए, एक उसने नर और नारी, ये एक वचन है, सिंगल है, लेकिन आगे लिखा है मनुष्यों की सृष्टि की, उनको, देम। इसका मतलब आगे जो है, ये जो अधिकार है जो उसने कहा, आगे जो अधिकार है, 28वें पद को देखेंगे, उसमें लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। किसको आशीष दी? उसे नहीं, किसको? किसको? उनको। उनको का मतलब एक है या दो है? दो है। परमेश्वर ने उनको आशीष दी, और आशीष का वो अर्थ मैंने कितनियों बार आपको मैंने बताया है, क्या है? सफलता प्राप्त करने के लिए सशक्तिकरण परमेश्वर ने दिया है, और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में क्या करो, भर जाओ, और उस पृथ्वी को क्या करो, ये अकेले करेंगे या दोनों मिलकर करेंगे? तो परिवार का सबसे बड़ा उद्देश्य परमेश्वर का ये था इस पृथ्वी पर रचने का, और मनुष्य को, पुरुष को, स्त्री को अपने स्वरूपता और समानता में बनाने का, कि मनुष्य, ये पुरुष और ये स्त्री ईश्वरीय समानता को लिए हुए एकजुट होकर, ये दो जन क्या होंगे? एक होंगे। एकजुट होकर क्या करेंगे? ये पृथ्वी को अपने वश में, यानी वश में करने का मतलब क्या है? कुछ बहुत सारा दूसरों को जमीन हथियाने का नहीं है, कोई मकान हथियाने का नहीं है, मीलों जमीन को अपनाने का, अपना बाड़ा बांधने का नहीं है। इसके ऊपर ईश्वरीय प्रभाव, दुष्टता से हटकर, व्यभिचार से हटकर, अश्लीलता से हटकर, एक ईश्वरीय परिवारों की घटना जिसके बीच में स्वयं परमेश्वर बसता हो,
जिसमें वो डेरा लगा सके, जिसमें उसकी महिमा हो सके। लिखा है, और समुद्र की मछली तथा आकाश की पक्षी पृथ्वी पर, सब पर अधिकार रखो। क्या रखो? तो ये अधिकार जो है ये सिंगुलर नहीं है, ये एक जुट में है, ये परिवार के उस गठबंधन के अंदर, उस एकता के अंदर ये रिलीज होता है, ये खुलता है और वो परिवार प्रभावशाली होता है। आमेन। वो जगत के ज्योति का भाग है, वो ईश्वरीय प्रभाव के भाग है। उत्पत्ति 2:24 उसमें लिखा है, कितने लोगों को मालूम है उत्पत्ति 2:24 पद में क्या लिखा है? हैं? कोई बता सकता है? जोर से बोलिए। इस कारण, किस कारण लिखा है, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए क्या बनाऊंगा, और वो मेल सहायक के साथ जो परमेश्वर ने उसको उसके लिए रचा है। लिखा है कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से, और वो एक जन, एक जन, एक जन, एक तन, एक बने रहेंगे। आमेन। तो ये अधिकार परमेश्वर परिवार में दे रहा है। आप उसके रहस्य को जानना चाहते हैं? इस पृथ्वी पर दो जन एक मन होकर, एक चित होकर, जिस विषय के लिए भी प्रार्थना करें, यीशु कहते हैं मेरा पिता तुम्हारे लिए क्या करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 18:18-19 में लिखा हुआ है। कितना बड़ा विषय परमेश्वर ने हमारे हाथों में सौंपा है। हम तो इक्का दुक्की विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु कैसा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यीशु तो सच ही बोलता है, वो कहता है मेरा वचन सत्य है। आज कुछ विषयों को मैं सिखा रहा हूं, आज जो ध्यान से सुनेंगे, जो हृदय में धारण करेंगे, इस पृथ्वी में तो वो चलेंगे फिरेंगे, लेकिन हर पल वो स्वर्ग के सामर्थ, स्वर्ग के प्राविधान, स्वर्गीय अनुभव, अलौकिकता की अवस्था। आमेन। पृथ्वी पर तो चले फिरेंगे, लेकिन अनुभव कौन सा होगा? स्वर्ग का। उस माहौल को, उस वातावरण को व्यक्तिगत जीवन में, परिवार जीवन में, और उनके द्वारा उस इलाके के अंदर वो उस प्रभाव को फैलाएंगे। और सबने कहा ऐसा ही हो। आमेन। वो कहता है जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम, और 19 उसका अगला, फिर मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम में से कितने जन, 20 जन, 50 जन, 200 जन, कितने जन, कितने जन, उठाइए हाथ, बोलिए दो जन, ऐसे कीजिए, ऐसे दो जन, कितने जन, एक परिवार में सदर, बिल्कुल सरल, परिवार में, किस में, किस में, परिवार में सरलता से मिलने वाले दो जन कौन है, जल्दी बताइए। बड़ी देर लगी सोचने में, जल्दी बोलिए, दो जन कौन, पड़ोसी, चाचा ताऊ, कौन, परिवार में कौन। अब आप देखिए उत्पत्ति 2:24 में लिखा है कि ये दो जन क्या होंगे। अरे यही वचन योएल 2 में लिखा हुआ है, जहां पे लिखा कि मैं सब तन पर, वही वही शब्द लिखा हुआ है, मैं अपने आत्मा को उंडेलूंगा। वहां जन, वही शब्द यहां भी उपयोग किया गया है। ये दो क्या होंगे, एक जन होंगे, सोच में, विचार में, बात में, हृदय में, मन में। आमोस 3:3 में लिखा है जब तक दो परस्पर, यदि दो मनुष्य, कितने मनुष्य, यहां बात दो की हो रही है,
इस पृथ्वी पर सबसे पावरफुल ये दो जने हैं जिसको परमेश्वर ने एक ऐसा लाइसेंस दे दिया। वो कहता है जो कुछ तुम एक चित होके, जो कुछ एक चित होके उसकी मंशा के अनुसार तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो गया। और कितना बड़ा अधिकार, कहता जो तू इस पृथ्वी पर बांधेगा वो पृथ्वी में स्वर्ग में बंध चुका है, जो तू यहां खोलेगा वो स्वर्ग में खुल चुका है। आमेन। अगर ये दोनों विषय हमारे जीवन में समझ में आ जाए तो रह क्या गया है फिर? मैं आपसे पूछता हूं, कुछ बच गया क्या? अरे हम तो कहते हैं परमेश्वर तू बता अपनी योजना, तू बता, तू कर, ऐसे कर। परमेश्वर कहता आप बताओ, बांधने खोलने का हर एक विषय का अधिकार मैंने तेरे हाथों में दे दिया है, लेकिन वो पूरा कैसे होगा? पूरा कैसे होगा? बोलिए दो जन, बोलिए दो जन। सरलता से मिलने वाले दो जन कौन है? बोलिए दो जन, बोलिए दो जन। परिवार में कौन है ये दो जन, जरा फिर से बोलिए। अब आपको पता होगा, आप सोचिए ये दो जन के एक होने में इतनी समस्या क्यों है? भैया कोई है इस पृथ्वी पर, उसे पता है कहीं अगर ये दो एक हो गए तो मेरा सफाया है। वो अपनी पूरी चाल खेलेगा या नहीं? लेकिन पौलुस कहता है हम उस शैतान के तंत्रों से, उसके सारे जुगाड़ों के अनभिज्ञ नहीं है। दूसरे कुरिन्थियों 2:11 में कहता हम उसकी चालों से अनभिज्ञ नहीं है। कितने हैं जो कहेंगे आमेन? ऐसा ही हो। अरे हम समझते हैं इस पृथ्वी पर दो जन, कितने जन? सरलता से मिलने वाले दो जन, पति और पत्नी, अगर एक चित हो गए तो यहां इस पृथ्वी पर कुछ भी असंभव नहीं होगा। कितना बड़ा अधिकार है ये। अब जितना भी आप विनतियां करते हो, जितना आपने प्रार्थना की लिस्टें बना रखी हैं, वो तो कब से उसका यस यस आंसर हो चुका है। परमेश्वर ने हमको विधि बता दी, हमको तरीका बता दिया, हमको सामर्थ्य भी दे दिया और हमको वो लाइसेंस भी दे दिया, और हम उसको लागू नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमें और दूसरा रास्ता चाहिए। परमेश्वर कहता और कोई रास्ता ही नहीं है। आप उसके महत्व को जानना चाहते हो? पहला पत्रस 3:7 में लिखा है ऐसा ना हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाएं, ऐसा ना हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पतियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के कौन? अरे भैया बोलो तो सही, हम दोनों, उस शब्द में कोई अपनापन है या नहीं है? बोले हम दोनों नहीं, वो ये, ऐसा सुना है कहीं? वो ये, और परमेश्वर कहता है कौन? अरे जोर से बोलिए कौन? परमेश्वर क्या कहते हैं? क्या सुनाई नहीं दे रहा? इधर से आवाज आने पाए? परमेश्वर कहता मर्दानगी दिखाओ। कैसी आवाज होनी चाहिए बोलो? कुछ कुछ आया है। वाह मेरे पुरुषार्थ करने वाले पुरुषों, कितने ये बहनें इंतजार कर रही हैं आपके पुरुषार्थ के लिए। आमेन। जो मुझे आगे संदेश देना था वो आपने अभी बुलवा दिया मेरे से। इधर सुनिए, जो परमेश्वर आपके साथ जीवन साथी ढूंढते हैं वो आपके सरगना होने का बाट जो रहे हैं, आपके पुरुषार्थ करने का बाट जो रहे हैं, क्योंकि वो रचे ही ऐसे गए हैं। अगर आप अपने स्थान को लेंगे बाकी सब अपना स्थान ले लेंगे अधीनता में। बोलो प्रभु यीशु की जय। आमेन। कौन
हम दोनों, बोलो हम दोनों। मैं चाहता हूँ जब आप यहाँ से जाएं हम दोनों बोलते हुए जाएं, हम दोनों, हम दोनों। ये बहन दूसरे बहन की तरफ देख के नहीं, जो शादीशुदा है, विवाहित है, अपने पति को मन में सोच के बोलो हम दोनों। ऐसे ही भाई लोग अपनी पत्नियों को मन में रख के बोलो हम दोनों। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसमें लिखा है हम दोनों जीवन के वरदान के, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। मुझे बताइए, अगर ऐसा है, इतना भारी लाइसेंस अगर परमेश्वर ने दिया है और इतना बड़ा अधिकार दिया है, इतना बड़ा सामर्थ्य दिया है, इतना बड़ा प्रभाव दिया है, उसको रोकने के लिए ये हम दोनों तो ये और वो, मैं तो कभी नहीं, बस मम्मी जी मुझे अपनी पेटीकोट में लपेट के रखो, बस मेरी शादी तो हो गई लेकिन मैं आपका पल्लू छोड़ के कभी ना जाऊं। अरे बेटा, मैंने तो 4 साल में तेरा दूध छुड़ा दिया था, तू अभी भी मेरा पल्लू पकड़ने की बात कर रहा है। मुझे एक बात बताइए, क्या मैं मजाक कर रहा हूं या सच है? ये कहीं और को चला गया थोड़ा। सुनिए, अनुभव से मैंने जानने की कोशिश की, क्योंकि गांव में और शहर से मैंने शादीशुदा लोगों की रिपोर्ट सुनी। बेटा कहता है मम्मी मैं कभी ना छोड़ूं तुझे। मैंने ज्यादा प्रश्न चिन्ह नहीं किया, मैंने जानने की कोशिश की, मैंने उस व्यक्ति की इतिहास को पीछे मैंने खोजने की कोशिश की। जानते हो क्या कारण मिला मुझे? उसकी नौकरी पक्की नहीं है, उसे पता है ये काम मैं आज काम करूंगा कल नहीं करूंगा, उसे ठिया चाहिए, वो अपने पैर पर खड़े होने से डरता है, ये बच्चों की जिम्मेदारी लेने से डरता है, उसको अपना व्यक्तिगत टाइम चाहिए, उसको जब उसके बच्चे की जरूरत पड़े, पत्नी की जरूरत पड़े, वो अपने घर में दिखाई नहीं देता। मैंने ऐसा एक देखा है, और लोगों का भी, जो उत्तरदायित्व को लेना नहीं चाहते, और जो उत्तरदायित्व लेते हैं वो पति पत्नी क्या करते पता है? वो अपने बच्चों को भी संभालते और दोनों मिलके बाकी पूरे परिवार का भी ध्यान रखते हैं। कितने कहेंगे बोलो प्रभु यीशु की। अरे जब ये दो एक नहीं हो सकते, ये बाकी किसके हैं? आप सोच समझ सकते हैं? जब ये एक दूसरे के प्रति परमेश्वर के आगे वाचा बांधा है, किसके आगे क्या बांधा है, थोड़ी देर में वाचा में बताता हूं अभी क्या है। 60 वर्ष के विवाहित जीवन में पत्नी के भाग को निभाने के बाद, 2014 में जब मेरे पिता प्रभु के पास चले गए, मैंने अपने मां से पूछा, मैंने कहा कोई प्रेम बढ़े डायलॉग तो मैंने अपने अपने पिताजी के मुंह से आपके प्रति सुना नहीं, ये साड़ी खरीदो वो खरीदो ये कुछ उन्होंने ऐसा मैंने देखा नहीं, कोई आई लव यू बोलते हुए सुना नहीं। लेकिन आप ये 60 वर्ष तक मैंने लड़ाई नहीं सुनी, मैंने कुछ नहीं देखा। हाँ मैंने एक चीज जरूर देखा, एक दिन घर में स्कूलिंग तक रहा, उसके बाद वापस एक दिन पूरे दिन की मेरी माँ थकी हुई, गाय घर पे, खेती बाड़ी सब कुछ करने के बाद इतनी सी, न ज्यादा वजन, हड्डी भी पतली पतली बिल्कुल। 10 बजे के बाद मेरे पिताजी आते हैं कुछ सब्जी वगैरह कुछ लेके, और वो बिल्कुल अपना काम करके, रसोई की भी सफाई वगैरह करके, वो ये उस दिन ये टूटी हालत थी कि बस जाके मैं किसी तरह से अपने बिस्तर पे कमर टेक लगाऊं। पिताजी लाए, बोले इसे अभी बनाओ। क्या? अभी बनाओ। और मैंने कोई वहां पर ढिंडोरा पीटते हुए नहीं सुना, बर्तन फूटते हुए नहीं सुना, जोर से कुछ रखते हुए नहीं सुना, क्योंकि कुछ शरीफ लोग होते हैं जो मुंह से कुछ नहीं बोलते लेकिन उनका हाथ बोलता है। जब दरवाजा बंद किया, धाड़, किसी को कुछ नहीं कहा, कोई आया तो जय मसीह की भी बोलेंगे
लेकिन आने वाले को और घर में सबको पता चल जाता है, जरा मामला गड़बड़ गया, टेम्परेचर हाई है, ग्लास रखेंगे धाम, जब उठेंगे कुर्सी से तो कुर्सी गिर जाएगी पीछे को, लेकिन मैंने कुछ नहीं सुना। और मैं आकर वो उसको धोते हुए काटते हुए मैं देख रहा हूं, मुझे बहुत अचंभा हुआ। मैं जाकर उन सबों के बीच में से मैंने मां के मुंह को देखा, इतनी थी बस सिसकने की आवाज, केवल उनके कानों में पड़ रही थी, आंसू बह रहे थे, शरीर साथ नहीं दे रहा था, टूटा हुआ शरीर, बल नहीं। लेकिन उनको मैंने ऐसा करते देखा, उन्होंने मेरे से एक बात कही कि आज तक मैंने तुम्हारे पिता को ना नहीं बोला, मैं अधीनता में रही। मैंने पूछा क्यों, ना तो मैंने सुना कोई अच्छी बातें उनके कहते हुए, या तुमको कुछ गिफ्ट लाके देते हुए, या अलग अलग साड़ियां तंखा के बढ़ते हुए तुम्हारे पास लाए, मैंने आज तक ऐसे सीन नहीं देखे। एकदम मेरी माँ मेरी तरफ घूमी, कहते हाँ, कोई मीठी बात कहने की वजह से, या जो पति है जो सर है उसको गिफ्ट लाके देने की वजह से। वो तो जिसके आगे हमने वाचा बांधा कि जब तक मृत्यु हमें अलग न करे तब तक, पुरुष कहता है मैं तेरे प्रति विश्वास योग्य रहूंगा, मैं बाकी सबको छोड़कर मैं तुझसे प्रेम करूंगा और मैं तेरे प्रति विश्वास योग्य रहूंगा, तेरा पालन पोषण करूंगा। और मैंने उनको वचन दिया, किसके सामने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने, कि मैं बाकी सबको छोड़कर तुझसे प्रेम करूंगी और तेरा मैं आपका बनी रहूंगी और मैं आपकी आज्ञाकारी रहूंगी और मैं समर्पित रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी। किसके सामने? तो ये पति पत्नी ये किस कारण विश्वास योग्य रहेंगे? किसके कारण? जिसके आगे वाचा बांधा। यहां लिखा है कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिसे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। क्या करना है? वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। बुद्धिमानी से जीवन निर्वाह करने के पीछे बहुत बड़ा विषय है, उसे समझना है, स्त्री कैसी है, सोचती कैसी है, क्या है। कहता है निर्बल पात्र है। क्या है? निर्बल पात्र है। प्रिय भाइयों, एक सलाह दूंगा आप लोगों को, एक दिन दफ्तर में अपने काम की छुट्टी कर लो। ये बहनें आपको लगते हैं ना कि नौकरी आप ही करते हैं, ये कुछ नहीं करते। जो वो कुछ नहीं करते हैं, एक दिन करके देखना, उसी हृदय से, उसी समर्पण से, उसी लगन से जैसे वो करते हैं, अगर एक दिन करके देखो। मैंने ऐसा पूरा करके तो नहीं देखा, लेकिन हाँ, एक दिन खड़े होके कुछ बर्तन धो के देखा था। मैंने आज तक अपनी पत्नी को भी नहीं बोला, मुझे लगा जैसे मेरा कमर यूं है ना, कोई छुरे से काट रहा हो। मैं सोचा, क्योंकि हम तो खड़े होकर धोते हैं, मैं उस वाश बेसन उस सिंक का उसका टेक लेना पड़ा है, बोला नहीं किसी को। मेरे प्रियो, इसमें लिखा है जीवन निर्वाह करो बुद्धिमानी से, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका क्या करो? मर्दानगी दिखाओ। सबसे सरल, सबसे कायरता की बात जो अपना मसल पावर अपने पति ने भी दिखाया है, इससे ज्यादा, इससे बड़ा कोई कायर नहीं है। क्या कहा मैंने? उससे कोई कायर पुरुष, मैं पुरुष कह भी नहीं सकता उसको। बाकी सब जगह से पीट के गाली खा के आए, घर पे दादागिरी नहीं। मेरे प्रियो, लिखा है उसका क्या करो? आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों, क्या समझकर? कि हम दोनों जीवन के वरदान के क्या हैं? जीवन के वरदान के कौन? हम दोनों, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। जो प्रभु के लोग कहलाते हैं, इज़राइल के जो लोग थे, वो एक दिन कंप्लेंट कर रहे हैं,
तू हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, तू हमें उत्तर नहीं देता। यहाँ पर पत्रस लिख रहा है उसके द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। सुनिए, कंप्लेंट कर रहे हैं। मलाकी पुराने नियम की सबसे आखिरी पुस्तक में उसके 2:13-14 में वो कहते हैं, सुन, तू हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर क्यों नहीं देगा। परमेश्वर कहता है, सुन, तुमने ये दूसरा काम किया कि तुमने अपनी यहोवा की वेदी को रोने वालों और आए भरने वालों की आंसुओं से भिगो दिया है। किसके? अपने पत्नियों के। आगे चलिए, यहां तक कि तुम्हारी भेंट की ओर मैं दृष्टि तक नहीं करता। कितने भेंट लाओ, कितने हालेलुया बोलो, कुछ करो, मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनूंगा नहीं। कारण क्या है? कारण क्या है? और ना प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से मैं ग्रहण करता हूं। और तुम पूछते हो ऐसा क्यों? 14वें पद में देखो क्या लिखा हुआ है, अगले पद में, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरे उस जवानी की संगनी और ब्याई हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था जिसका तूने विश्वासघात किया है। परमेश्वर कहता है, मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। कहता, खूब उपवास कर लो, खूब प्रार्थना कर लो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने पति पत्नी तुमको इसलिए रखा ताकि तुम एक मन होकर, एक चित होके, जैसे स्वर्ग में पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, हम स्वर्ग इस पृथ्वी पर वैसे ही लागू कर सकें। और सब ने कहा, बोलो प्रभु यीशु की जय। मेरे प्रियो, कहता है तेरे यहोवा और तेरे उस संगनी के ब्याह स्त्री के बीच साक्षी किया। इंग्लिश में लिखा है, इसमें लिखा वाचा की संगनी। कौन सी वाचा? ये क्या एग्रीमेंट साइन करना होता है? वाचा, वाचा क्या है मेरे प्रियो? 800 पीढ़ियों तक भी उसे तोड़ नहीं सकते थे। अब्राहम वाचा को समझता था। एक दिन परमेश्वर उठा, बोला, सुन हे अब्राहम, ये जगह मैं तुझको दूंगा। उत्पत्ति 15वें अध्याय को घर जाके पढ़ लेना, अभी समय नहीं है। सुनिए, कहता मैं कैसे जानूं? वहां पर एक वाचा बांधी गई। ये वाचा में क्या होता था? कोई भी वाचा बिना बलि और बलिदान के नहीं हो सकता था। आप जानना चाहते हो, परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी चिरस्थाई लंबे समय तक जो रुकने वाला जो रिश्ता है, जो संबंध है, उसके बीच में एक वाचा है। तीन तरह की रिलेशनशिप, तीन रिश्ते हैं, संबंध हैं। क्या है? एक मनुष्य, एक विश्वासी और परमेश्वर के साथ जो संबंध है। आमेन। क्या वो वाचा पर आधारित नहीं है? हाँ या नहीं? क्या है वाचा? कौन मेरी और आपके लिए बलिदान हुआ? यीशु। बिना लहू के बहे बलिदान नहीं, और बिना बलिदान के वाचा नहीं। ये वाचा का क्या अर्थ है? मेरे और आपको जीने के लिए किसको अपना प्राण त्यागना पड़ा? यीशु को। मुझको वाचा को लागू कार्य में लाने के लिए एक को अपना प्राण देना पड़ता है। आमेन। एक विश्वासी का दूसरे विश्वासी का जो संबंध है वो किस पर आधारित है? वाचा। वो वाचा, वाचा क्या है? चिरस्थाई संबंध रखने का वायदा, जो यहां नहीं स्वर्ग तक वो रिश्ता जाता है। आमेन। और तीसरा कौन सा है? पति पत्नी का रिश्ता, संबंध। आमेन। ये तीनों वाचा के भाग हैं। बोलिए, तीनों वाचा के भाग हैं। बोलिए, विवाह एक वाचा का भाग है। कोई भी रिश्ता संबंध बिना वाचा के टिक नहीं सकता, बन नहीं सकता, रचा नहीं जा सकता। अब जानना चाहते हो वाचा का और कहां लिखा हुआ है? नीतिवचन 2:17। जल्दी 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 थोड़ा आगे चलेंगे। नीतिवचन 2 अध्याय उसके 16:17 हम देखेंगे। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, 16 में,
तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती हैं और अपनी जवानी के साथ साथी को छोड़ देती जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है। इधर सुनिए मेरे प्रियो, जो अपने पति या पत्नी के साथ दगा करते हैं, विश्वासघात करते हैं, वो किसके वाचा को तोड़ रहे हैं? मैं आपको और एक अच्छी बात बताता हूँ और गहरी बात बताता हूँ। दो तरह का अनैतिकता का विषय है, एक है परस्त्रीगामी और दूसरा है व्यभिचार। परस्त्रीगामी का मतलब है दो जन जो शादीशुदा नहीं हैं उन्होंने कोई अनैतिक इमोरल संबंध स्थापित किया, और एक दूसरा है व्यभिचार। व्यभिचार क्या है? ये विवाहित हैं, ये विवाहित हैं। जब ये एक व्यभिचार की अवस्था, यानी जब एक अवैध अनैतिकता में ये जुड़ते हैं, वहाँ सबसे बड़ी समस्या। क्यों परस्त्रीगामी, जिसको फॉर्निकेशन बोलते हैं और जिसको एडल्ट्री बोलते हैं, जो व्यभिचार है, ये व्यभिचार क्यों इतना गंभीर है? व्यभिचार इसलिए गंभीर हैं क्योंकि यहाँ ये दोनों वाचा तोड़ रहे हैं। किसके विरुद्ध पाप कर रहे हैं? परमेश्वर के विरुद्ध। ये वाचा तोड़ रहे हैं, खबरदार। ये वाचा क्या है? यहां पर एक बलिदान है। जब परमेश्वर ने अब्राम से कहा था कि मैं ये तुझे सब दूंगा, अब्राम पूछता मैं कैसे जानूं, वहां पर एक वाचा का काम हुआ। क्या था वो वाचा? बोला ऐसा कर। उस जमाने में, उस इलाके में जो आज से कई हजार वर्ष पहले, वहां पर एक प्रथा थी। दो गांवों के बीच में, दो कुंबों के बीच में वो क्या करते थे, दोनों जने की, दोनों पार्टी के लोग इस देश के इधर बैठते थे, वो एक जानवर को लेते थे और उस गंभीर अवस्था को प्रकट करने के लिए, उन दिनों की विषय, आज ऐसा नहीं है, एक बार के लिए, हमेशा के लिए प्रभु यीशु मेरी और आपके लिए बलिदान हो गया। वो मर के जी उठा, वो अल्टीमेट, वो फाइनल, वो सबसे आखिरी एक बलिदान जो मेरी और आपके लिए प्रभु ने किया है, ठीक है। तब ऐसा नहीं था, वहाँ पर वो लेते और उसको दो भाग करते और वो उसके बीच में से चलते। उसके बाद ये व्यक्ति अपना हथियार या अपना जो भी था पहरावा उसको देता था, वो उसका पहनता था। और इन दोनों के बीच में क्या होता था, हम 800 पीढ़ियों तक भी, कितने पीढ़ियों तक, जो कुछ मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। इसी वाचा पर आधारित, जब अब्राहम ने उसको कहा तू ऐसा लेकर आ और उनको दो भाग किया और उसके बीच में से वो मशाल पवित्र आत्मा, वो पुत्र और वो पिता उस जलते हुए अग्नि के रूप में, उस चूल्हे के रूप में, उस वो जो है वो उसके बीच में से, जब वो अंगीठी उसको बीच में से चलते हुए देखा, क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने क्या कहा? हे अब्राहम तेरी संतान, उसके साथ मैं वाचा बांधता हूँ, जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। इस कारण अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा तू अपने उस बेटे को उठा जो तेरे गलेजे का टुकड़ा है और तू मेरे को अर्पित कर, अब्राहम बिना किसी अगर मगर के, बिना किसी प्रश्न पूछे, बिना किसी सलाह के वो लेकर चल पड़ा। क्यों? वो जानता था वाचा का अर्थ क्या है। मेरे प्रियो, विवाह जीवन एक वाचा का भाग है। आमेन। वहां पर एक बलिदान बीच के अंदर अर्पित है। आज समस्याएं पारिवारिक जीवन में क्यों हैं? क्योंकि बहुत लोगों ने अपने मन के अंदर वचन के खिलाफ, अपने रीति रिवाज या अपने मन के अंदर जो संस्कृति या और विषयों को अंदर, अपने जो बनाए हुए मनुष्य के नियम हैं वो लगाकर, एक विवाह का नाम लेते ही उनके मन में आता है, उनका प्रश्न है, मुझे क्या मिलेगा? मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु के लहू के खरीद हैं और उस वाचा के भाग हैं, तो आपके अंदर से यह है कि मैं क्या दूं। जिस दिन आप विवाह जीवन में प्रवेश करते हो, आप पति हो, पत्नी हो, कोई हो, सुन लीजिए, उस दिन से आप जीवित नहीं हैं। पौलुस कहता है अब मैं जीवित ना रहा, यह वाचा को समझता था वो, अब मैं जीवित
ना रहा। क्यों? मसीह मुझ में जीवित है और उसमें उस पर मैंने विश्वास किया है जिसने मुझसे प्रेम किया और उसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया। वाचा, बोलिए वाचा, बोलिए वाचा। ये विवाह वो नहीं है आज सुविधा के लिए ये पहन लिया उतार के दूसरा कर ले, नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर को अपना दुश्मन मत बनाओ, ईश्वरीय शत्रुता से बचो। और वो अधिकार जो हम दोनों एक होकर जो कुछ यहाँ बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ यहाँ खोलेंगे वो स्वर्ग में खुलेगा। और हम दो जन एक चित होकर जिस विषय को भी हम याचना करेंगे, जो परमेश्वर से मांगेंगे, वो हमें देगा, वो पिता हमारे लिए करेगा। एक बड़े अधिकार के दायरे में हम उस प्रभाव को लिए हुए, अधिकार, डोमिनियन। एक राजा है, उसका एक डोमेन है, उसका एक अधिकार का स्थान है, और वो वहाँ पर एक राजा की तरह उस अधिकार में चलेगा। आमेन। आपकी नौकरी कितनी बड़ी है, आपकी तनख्वाह कितनी बड़ी है, आपका मकान कितना बड़ा है, आपके घर में कितना सोना चांदी रखा है, इसका कोई मायने नहीं है। क्या स्वर्ग का परमेश्वर आपकी ओर है? मेरे प्रियो, जितनों ने प्रभु में विवाह किया है, अपने इस विवाहित जीवन को खेल न जाने, आज गंभीरता से ले लो। आप जब एक दूसरे के साथ समस्या नहीं है, ये परमेश्वर के साथ पंगा लेना है। क्या आप परमेश्वर के साथ पंगा लेना चाहते हो? हैं? आप कहीं पहुंचोगे? मेरे प्रियो, जिस दिन आज आपको ये वचन मिल चुका है, मैं गंभीर बात बोलने जा रहा हूं, अगर आप अपना जीवन प्रभु के चरणों में रख के उस वचन के अनुसार आप समर्पित होंगे और उस बलिदान की, उस वाचा के अंदर जो बलिदान है उसके रहस्य को जानोगे कि यीशु ने हमें पाने के लिए, अपने दुल्हन बनाने के लिए अपना प्राण दिए कि नहीं दिए। इसलिए इफिसियों 5वें अध्याय में लिखा है, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। मेरे प्रियो, ये विवाह जीवन खेल नहीं है। हे पुरुष, हे स्त्री, अगर आप ये नहीं समझते कि जिस दिन विवाहित जीवन में कदम रखा उस दिन मेरा मृत्यु है, उस दिन मैं ना रहा लेकिन मेरा अस्तित्व मेरे जीवन साथी, मेल सहायक में प्रकट होगा। पौलुस कहता है, अब मैं जीवित ना रहा। अब मैं किस में जीवित हूँ और मुझ में कौन जीवित है? मेरे प्रियो, यही कुंजी है, यही विवाह जीवन का भेद है। क्या है? पौलुस कहता है भेद की बात है। पौलुस क्या कहता है? क्या है ये भेद? ये क्या है ये भेद? इफिसियों 5वां अध्याय उसके 32वें पद में लिखा ये भेद है, और ये कहता है एक बहुत बड़ी भेद की बात है। इफिसियों 5वां अध्याय उसके 32वें पद को जरा देखें, उसमें लिखा है ये विवाह को, परिवार को उसने कौन, परमेश्वर और उसके वचन में क्या मॉडल दिया है, क्या रूप दिया है? इफिसियों 5वां अध्याय 32वां पद, क्या क्या मॉडल क्या दिया है? कलीसिया। क्या? कलीसिया। ये भेद है लिखा है? नहीं। क्या लिखा है? ये भेद तो बड़ा है। ये भेद क्या है? ये भेद क्यों बड़ा है पता है आपको? और ये भेद क्यों है? क्योंकि जब तक कोई विवाह के जीवन में कदम नहीं रखेगा तब तक ये रहस्य खुलने वाला नहीं है। वेरी सिंपल, फिर से बोलूं, जब तक ये व्यक्ति एक विवाह जीवन में कदम नहीं रखेगा, जब तक वास्तव में ये विवाह नहीं करता, तब तक ये उस भेद को नहीं समझता है, तभी ये खुलता है। और परमेश्वर अपनी भेद को किसको प्रकट करता है वो भी देखते हैं। भजन संहिता 25 उसके 14, किसको प्रकट करता है वो भेद?
कौन है जो उसके भेदों को समझ सकता है? कोई है जो इसकी रहस्य और इसके गहराई को जो समझना चाहता है? मैं सबसे अधिक धन्यवादी किसका हूँ पता है? जो अभी तक आज तक अभी विवाह नहीं हुआ, जो आगे होने के लिए जो तैयार है, मैं उनकी जी मैं अभी उसके उनके सौभाग्यपूर्ण अवस्था सोच रहा था कि वो कितना अच्छा, वो इसमें प्रवेश करने से पहले वो ज्ञान प्राप्त कर लिए। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे, बोलिए, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो उसके उपस्थिति का एहसास जीवन में रहता है और वह अपनी वाचा उन पर, आमेन, वो क्या करता है? अपनी वाचा उन पर प्रकट करता है। इस वाचा के भेद को वो प्रकट करेगा, किसको? जो उसका भय मानते हैं। मेरे प्रियो, उसकी उपस्थिति के आभास में चलिए, उसकी उपस्थिति के एहसास में चलिए। कुछ बच्चे गड़बड़ करते हैं आपस में, क्या है बहन भाई क्या बोलते हैं, बस मम्मी पापा को मत बता देना, तू जो चाहे। फिर क्या होता है, कहीं घर में भाई बड़ा हुआ, आहा, फिर छोटी बहन, पिताजी ने कहा ये काम कर दे, वो बाकी आएगी बहन के पास, ऐसा चुपचाप कर दे नहीं तो तेरी पोल खोल दूंगा। चलो एक दो दिन हो गया, लेकिन ये प्रैक्टिस फिर चलता ही रहता है। मेरे प्रियो, और वो उसका फायदा उठाते हैं, वो उसको अंगूठे के नीचे, नहीं मेरे प्रियो, ये क्यों हुआ? कह क्या, कहा क्या था? मम्मी पापा को पता ना चल जाए। पति सोचता पत्नी को ना पता चल जाए, पत्नी सोचती है जो मैंने अपनी अम्मा जी को सारी बुराइयाँ बताई है ना इधर की, वो कहीं इन्हें ना पता चल जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो कुछ तो आपने बोला वो तो बोला, जो नहीं बोला, जो रोज मन में बोलते हो, वो भी स्वर्ग में बड़े बड़े स्पीकरों में बजता है, सारे स्वर्गदूत सुन रहे हैं, परमेश्वर स्वयं सुन रहा है। और हम सुनिश्चित करते हैं पास्टर को ना पता चल जाए, हम सुनिश्चित करते हैं कि इसे ना पता चल जाए, उसे ना पता चल जाए, और हमारी गुफ्तगू चलती रहे। नहीं मेरे प्रियो, इस सस्ते झूठ में मत फंसो, दिलेर हो जाओ। मर्दानगी पुरुषार्थ दोनों स्त्री और पुरुष कर लीजिए, उसमें यह हिम्मत होनी चाहिए कि जो मैंने चुपके से मन में कहा है वो भी दूसरों के सामने बोल दूं। क्यों? जिसको, जिसके साथ मेरा मैटर है उसने तो सुन लिया है, अब मैं इससे छुपा के मुझे क्या फायदा? इतनी बुद्धिमानी अगर हम धारण कर लें तो बहुत से बंधन टूट जाएंगे। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर दुष्टता जो शरीर रहित प्रभाव है उसके साथ एक युद्ध है। बहुत तेरे इस पृथ्वी में लोग हैं जो उस नरक के गड्ढे के अंदर खींच के अंदर निगलते जा रहे हैं। उसके बचाव का अधिकार, उसका सारा सामर्थ, उसका विषय इन दो जन के हाथों में एक चित होके प्रार्थना करते हुए उस इलाके को, उस परिवार को, उस सारे देश को या उस मोहल्ले को बचाने का एक बड़ा अधिकार परमेश्वर ने इन दोनों के हाथ में दिया है। आमेन। मेरे प्रियो, वो अधिकार हमारे हाथ में है। कोई सिद्ध पति नहीं है, कोई परफेक्ट हस्बैंड नहीं है। मुझे नहीं पता, मैं तो हस्बैंड हूं, मुझे मालूम कितनी कमजोरी, कितनी गलतियां, कितनी खामियां। मैं धन्यवाद देता हूं परिवार के लिए जो उन सब के होते हुए भी, सहते हुए भी वो आदर देते हैं। कोई सिद्ध पत्नी है या नहीं मुझे नहीं पता, मेरे पत्नी से पूछना पड़ेगा। इतना मुझे मालूम है कोई सिद्ध पति नहीं है। पत्नियों के रोल में मैंने आपको बताया था उसको चाहिए सपोर्ट। क्या चाहिए? सहारा। किसको? अरे ये सिर है तो ये शरीर में सिर, आपको पता है ये अपने आप से हवा में टंगा हुआ नहीं है। इस सिर को किसने संभाला हुआ है? धड़ ने। अगर धड़ आप हैं तो ये पुरुष दिखने में हाँ शोर मचाता है, टाइगर बनता है, लेकिन मैं आपको अपने तरफ से सच्चाई बताना चाहता हूँ भैया, ये अंदर से, मैं वो शब्द कहना नहीं चाहता, वो छोटी जैसे जानवर नहीं होते छोटा, वो ऐसे अंदर से ऐसे होते हैं। इन्हें सहारे की ज़रूरत है, इन्हें प्रोत्साहन की ज़रूरत है, इन्हें बिचवाई की ज़रूरत है। अगर इसकी बातों को लेकर पीछे चुगली करते रहोगे तो आप अपने को कमज़ोर कर रहे हो।
अपने ईश्वरीय परिवार के उद्देश्य को आप घटा रहे हो, उसको शून्य कर रहे हो। नहीं मेरे प्रियो, सर को सर के स्थान पे संभालिए, उसको सहारा चाहिए, उसे बिचवई की आवश्यकता है। परिवार एक वाचा का भाग है, विवाहित जीवन एक वाचा का भाग है। एक वाचा का भाग नहीं, एक वाचा है। परमेश्वर कहता है तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। पौलुस कहता है यह भेद बड़ा है। यह भेद क्या है? छोटा नहीं है, क्या है? बड़ा है। जरा इफिसियों 5:25 को जरा देखेंगे जल्दी से, सॉरी 5:32 को जल्दी। इफिसियों की लिखी पत्री 5:32 जल्दी। यह भेद तो बड़ा, और मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं, विवाह के विषय में बोल रहा है। उसकी तुलना किससे कर रहा है? मसीह और उसकी कलीसिया से। इसका मतलब परिवार एक स्वर्गीय कलीसिया का रूप है। इसका मतलब अगर यह परिवार कमजोर हो जाए तो जो परिवार मिलके ये कलीसिया बनती हैं, ये कलीसिया बलवान नहीं होगी। और उस जगह पर उन दुष्टता के सामर्थ जो हर गंदगी की अवस्था को फैलाते हैं, उनके ऊपर किसी का रोकथाम नहीं होगा। अगर हाँ, ये परिवार ईश्वरीय क्रम में चलेंगे और ये अपने में मजबूत होंगे, ये दोनों पति पत्नी अपने अधिकार को समझेंगे और ये जानेंगे कि इस विवाहित संबंध में आने से पहले मैं जीवित नहीं रहा, ये पुरुष अपनी सफलता को, ये पुरुष अपने पत्नी में देखता है, पत्नी अपनी सफलता और अपने जीवन को किस में देखे? अपने पति में। और बच्चे उस घर में अपने जीवन की, अपने भविष्य की उस सुरक्षा को और प्रगति को किन में देखे? अपने माता पिता में देखें। और सब ने मिलकर कहा, बोलो प्रभु यीशु की जय। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये ईश्वरीय मंशा है, ये मेरी और आपके रचने वाले की निर्देश पुस्तिका का भाग है जो मैं आपको बता रहा हूं। रीति रिवाज, संस्कृति, अपने पुराने जीवन की विषय, वो कहता है पुरुष शादी कर ले, विवाह कर ले, लेकिन तुम कभी एक मत हो लेना, तुम कभी एक मत होना, तुम कभी एक मत होना, अपने माता पिता को कभी छोड़ के मत। ये माता पिता को छोड़ने का क्या मतलब है कि उनको सड़क पे छोड़ दो? ये किसने कहा? जो प्रभु यीशु कहता है कि हे प्रिय प्रभु के लोगों, यानी पूर्वी प्रदेश के जो विश्वास करने वाले प्रभु के जो लोग कहलाए इजरायली, कहते तुमने क्या किया? अपने जो माता पिता का भाग है उठा के परमेश्वर के भवन में, वहां मंदिर में दे दिया, और तुम बोलते कुर्बान, और मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, लानत हो तुम पर। तो ये परमेश्वर ऐसा क्यों वचन बोलेगा? दो उल्टी बात नहीं करता वो। मेरे प्रियो, छोड़ने का मतलब क्या है? कि जो अपने पिछले जो पेरेंटल रिलेशनशिप है उसके अंदर एडजस्टमेंट करना है। अब अगर तूने विवाह में एक पत्नी को स्वीकारा है, वो परमेश्वर के आगे बाकी सबको छोड़कर मैं तुझसे मिला रहूंगा और मैं तुझसे मिली रहूंगी, ये आपने परमेश्वर के सामने वाचा बांधा है, किसी मनुष्य के सामने नहीं। आप परमेश्वर के साथ खिलावड़ मत कीजिए। मैं आपसे कुछ कहना चाहता था, मैंने अपने बात मुंह रोक लिया था। अब सुनिए, जो तो इस विषय को समझ कर जीवन में पिछली कितनी भी समस्याएं गलतियां हुई हों, अगर आज से अपने जीवन को पटरी पर डालेंगे, आप रॉकेट की तरह अपने जीवन के अंदर उन्नति करने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना सुनने के बाद, पहले तो चलो पता नहीं था, हम रीति रिवाज और चलते हुए प्रैक्टिसों में फंसे उसमें थे, लेकिन आज सुनने के बाद अगर उसी आप पुरानी चाल पर चलोगे, और आप हे पत्नी अपने पत्नी के अपने पति के साथ गड़बड़, और हे पति अपने पत्नी के साथ परमेश्वर के वचन के विरोध में अगर कार्य करोगे, ये मत समझना कि आप सुरक्षित हैं। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि परमेश्वर का वाचा तोड़कर कोई भी सुरक्षित नहीं है।
एक पति का सबसे बड़ा भाग, एक गिफ्ट, एक सबसे पहला विषय, जो सबसे ऊंचा विषय भेंट जो अपने पत्नी को दे सकता है, वो है उसकी सुरक्षा। उसे बिल्कुल बस उसको ये लगे कि मैं सेफ हूं, मैं सुरक्षित हूं, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, यहां मेरा अपना कहने के लिए। क्यों? जहां पहले थी वहां उसको कुछ नहीं था अपना कहने के लिए, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर इधर आई है। और ये अपना अगर कह सके और यहां ये सुरक्षित है, तो आप जीवन में जीत गए हैं मेरे प्रियो, आप जीत गए। और एक विषय बहुत दर्दनाक विषय है, कितने परिवार मेरे सामने आए, नव दंपतियां, इन दोनों में आपस में कोई समस्या नहीं है। समस्या कहां है? सास ससुर, माता पिता, वो अपनी डिमांड करते हैं, वो बच्चों के जीवन में दखल देते हैं, वो उन्हें जीने नहीं देते। प्रिय माता पिताओं, सास ससुरों, कृपया अपने बच्चों के जीवन को नरक ना बनाएं। अपने बच्चों के जीवन में क्या ना करें, दखल ना दें। क्योंकि मैंने ये देखा है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कई परिवारों में। जिस बेटे ने विवाह किया उसने किसके साथ वाचा बांधी है? जल्दी बोलिए, परमेश्वर की उपस्थिति में किसके साथ वचन दिया? अपने पत्नी। और हे पत्नी, हे बहन, तूने किस, जिस जब हाथ पकड़कर किसके आगे? परमेश्वर के आगे। किसका बना रहने और किसके साथ रहने का? पति के साथ। ये एक दैविक गठजोड़ है, ए डिवाइन यूनिट जिसको बोलते हैं। ये मनुष्यों का खेल नहीं है, इससे दूर रहें। बाकी सब अपना हस्तक्षेप नहीं। मेरे प्रियों, हमारे घर में ज्यादा नहीं, दो बेटे दो बहू हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, एक यहां उपस्थित है, एक नहीं है, हम उनके जीवन में इतना सा भी रत्ती भर भी दखलंदाजी नहीं करते। बल्कि स्टीव को तो थोड़ा झटका ही लगा था, हैं? ये क्या है? पहले तो डैडी बताते थे, प्रार्थना करते, कहते अब कुछ नहीं है भाई, तुम्हारा है, समझ गया जल्दी। हमारी खुशी जानते हो क्या है? ये पति अगर अपने बाकी सब को छोड़ाए हुए पत्नी से, अगर मैं हृदय से, तलहटी से, अपने को भुलाकर, अपने को गलाकर, खुद मरकर, अगर वो अपने पत्नी में दिखाई दे, अगर उससे अगर वो प्रेम करता दिखाई दे और वो पत्नी उसका आदर करते दिखाई दे, ये दोनों अगर खुशहाल हैं, वो बच्चे सुरक्षित हैं, ये हमारे हृदय की खुशी है। कितने हैं जो कहते हमें ये चाहिए? आमेन। एक डायलॉग और बताऊं आप लोगों को, शादी से पहले कुछ बातें हैं जो मेरे कानों के अंदर नहीं जाती, लेकिन बाहर तक तो आई थी, तो मैं आपको बता देता हूँ। स्टीव ने अपना कमरा, अपना फ्लैट ले लिया था जाके, उसके बाद वहाँ से नौकरी ख़त्म हो गई, वापस आया वहाँ से ख़त्म करके दूसरी जगह, यहाँ आया, घर में है कमरे फालतू। अब जानना चाहते हैं कहाँ रहा है वो, कहाँ पे? किराए पर दूसरे फ्लैट। तो डायलॉग यहां अंदर नहीं प्रवेश करने दे, क्या अभी से अलग कर दिया? क्या कर दिया? अभी कुछ दिन पहले कोई आए, कह लगे पास्टर जी पाठ सीख लिया आपने, अच्छा किया। हंस के नहीं बोल रहे, रो के बोल रहे। जब दोनों तरफ समस्या हो गई, बच्चों का जीवन समस्या में, माता पिता का जीवन समस्या में, कितने चाहते हैं अब कोई ऐसा ही हो, मत बोलना, ऐसा ही हो मत बोल देना। आप ये चाहते हो क्या? नहीं, मैंने ज़्यादा बुद्धि का उपयोग नहीं किया मेरे प्रियो, मैंने ज़्यादा बुद्धि का उपयोग नहीं किया, मैंने तो रचने वाले के निर्देश पुस्तिका को खोला
और उसमें लिखा हुआ पढ़ा उत्पत्ति 2:24 में क्या लिखा है, इस कारण कौन पुरुष अपने, मैं कई बार ये सोचता ये मां का नाम पहले क्यों आया, ये अभी तक समझ नहीं पाया, ये रहस्य कोई मुझे समझा दे, बहनों में ही समझा दे क्यों ये गोद का लाडला था, अब ये किसी और, ये पता नहीं कहां से आई है, ये पहले तो मेरे हाथ की रोटी बस पूछो मत, ओह क्या बात है मम्मी तेरे हाथ की दाल, अब तो अपनी पत्नी के हाथ की आलू आती है, ये है एक दिन में बदल गया, अरे एक दिन में बदला नहीं रचने वाले ने कहा है, इसलिए कहता हूं जीने दो। मुझे बताओ मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं मेरा बनाने वाला बुद्धिमान, उसने बुद्धि से नींव डाली, उसने बुद्धि से आकाश थामा, आपको लगता है कि उसने गलत लिखा है, इस कारण पुरुष अपने मत मुझे छोड़कर जाएगा, अरे कंधे पे उठा के घुमा तेरे को, ओवर टाइम कर करके तेरे कपड़े लाए, पापा जी थैंक यू, ये दोनों मिलकर किसकी बात को माने, रचने वाले की, अपने पत्नी से मिला रहेगा और वो एक उद्देश्य बड़ा है ताकि ये दो जन एक हो जाएं, और वो जब इस पृथ्वी पर जो बांधना है वो बंधेगी, हर बुराई हर दुष्टता के विषय बंधेंगे, और स्वर्ग की आशीषें जहां अशांति है वो बंधेगी, जहां पर नशा है वो बंधेगा, जहां पर विद्रोह है, जहां पर हिंसा है, जहां पर हृदय के अंदर जो और भी विषय है, नशे हैं, गंदगी है, वो बंधेगा, और एक अच्छी अवस्थाओं को वो जो स्वर्ग का जैसा है इस पृथ्वी पर खोलने का है। बहुत से लोग जो कर्ज में, जो पाप में, जो अधर्म में, जो गड्ढे में जा रहे हैं, वो जाने से बचेंगे कब, जब ये दो जन एक चित हो जाएं, अलग अलग जगहों पर एक एक परिवार दो जन एक मन होकर जो कुछ इस पृथ्वी में वो बांधते हैं वो स्वर्ग में बनता है। आमेन। आप चाहते हैं स्वर्ग की इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो, आप चाहते हैं जैसे परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी हो होती है वैसे ही आपके घर में पूरी हो, ये तो पुराने नियम का है, नए नियम में क्या लिखा हुआ है, इफिसियों में भी लिखा है, इस कारण पति पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर क्या, और वो एक, वो इफिसियों में भी लिखा हुआ है, वो आगे भी लिखा हुआ है, ये क्या है, ये अगर ये कोई परमेश्वर के वचन में महत्वपूर्ण विषय नहीं होगा, इकतीस इफिसियों, इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो दोनों, फिर कहता है ये भेद तो बड़ा है पर मैं मसीह की कलीसिया की बात कर रहा हूं, 32 में लिखा है, और 33 में लिखा है पर तुम में से हर एक अपने पत्नी से अपने समान प्रेम रखो और पत्नी भी अपने पति का क्या माने, भय माने। मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19 में कुछ लोग यीशु के पास आए और वो कहने लगे, हमने तो शादी किया था यही अच्छी परी लगती थी लेकिन अब और कई सारे दिखाई देते हैं मेरे को, तो इसे छोड़ मैं दूसरों को चाहता हूं। परमेश्वर ने क्या कहा, क्या कहा, कहता फरीसी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए 19:3 में लिखा है, कहने लगे कि हर एक कारण अपने पत्नी को त्यागना उचित है। तब यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम नहीं जानते
कि परमेश्वर ने जिसने उन्हें बनाया आरंभ से नर और नारी बनाकर क्या कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपने पत्नी के साथ रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। अतः छठा पद देखिए, अतः बोलिए अतः, वे अब दो नहीं, बोलिए वे अब, बोलो मेरे घर में जो बहु बेटे हैं अब वो दो नहीं हैं, अब वो एक हैं, अब वो क्या हैं, एक हैं। लिखा है अब वो दो नहीं परंतु एक हैं, इसलिए जिस पे जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। आमेन, बोलो ऐसा ही हो। तो जो इनके जुड़ने के सहायक होंगे, और एक और समस्या, कितने बहु बेटियों ने नंद का नाम सुना है, नंद होता है कोई, ये नंद का कोई परिभाषा बताइए, नंद कौन है, ये भाई का है, इसका अपना परिवार गड्ढे में है। अब ये कहते मैं दुखी हूं, ये बड़े चहल पहल करते, ये रोज हाथ पकड़ के घूमने जाते, अब उसके यहां पर तलवारें चल रही हैं। पति बेचारा सुबह 7 बजे के निकला हुआ, शाम को 9 बजे आता, उसे कहानी का कुछ पता नहीं। जब वो वापस आता सारे चेहरे लंबे मिलते हैं। अब प्रश्न ये, वो किसकी सुने, अपने पड़ोसी से पूछो किसकी सुने, अब मुझे उत्तर दो, पड़ोसी ने क्या कहा जल्दी बताओ, क्या कहा जल्दी बताओ, ये कोई बोल ही नहीं रहा है। भाई पड़ोसी ने कुछ बताया कि नहीं बताया, क्या बताया, किसकी, आप तो बड़े ग्रेजुएट हो गए सब। वो पति किसकी सुने, ऐसा कोई करता है, सुनता है पत्नी की, अरे पत्नियों बताओ, डरो मत, कम से कम यहाँ तो मत डरो, लेकिन यहाँ शिकायत होगा, ये कूड़ा खान नहीं है, यहाँ यहाँ अनुमति नहीं है किसी के बारे में बोलने की, याद रखना, क्योंकि ये परमेश्वर का भवन है, यहाँ अपने टोकरे में गंदगी लाने के लिए नहीं है। अगर वो चीज़ों को अगर आप डील नहीं कर सके तो फिर थोड़ी देर और घर में उपवास प्रार्थना करके आओ। इधर सुनिए क्यों, मैं बताता हूं। केनेथ हैगिन नाम का परमेश्वर का दास एक दिन स्वर्ग में पहुंचे, वहां एक स्वर्ग के दूत ने सारे जगहों पर उसे घुमाया और वहां ले गए जहां बड़े बड़े गुड रिपोर्ट रखे हुए थे, दाऊद के बारे में, गिदोन के बारे में, लोगों के बारे में, और उसको वो चाहता था कि मैं दाऊद के बारे में और जानूं। उसमें लिखा गुड रिपोर्ट, वाह दाऊद ने ऐसा किया, दाऊद ने ऐसा किया, दाऊद ने ये किया, बड़े बड़े आर्काइव्स, बड़े बड़े चीजें उन्होंने खोल कर दिखाया। केनेथ हैगिन रुके, मैंने कहा यहां पर तो बैतशेबा ऊरिया जो हित्ती था जिसका खून किया उसके बारे में तो कुछ नहीं है। वो व्यभिचार, स्वर्गदूत का तेवर बदला, वो कहता सुनो स्वर्ग में इन चीजों के रिकॉर्ड नहीं रखते हम, क्या जो यीशु के लहू तले है वो उसका रिकॉर्ड हम उस इन चीजों का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, गुड रिपोर्ट है। तो मेरे प्रियो जो स्वर्ग में रिपोर्ट नहीं रखी जाती वो हम क्यों रखे पृथ्वी पर। और सब ने कहा बोलो प्रभु यीशु की जय, आमेन। उसका नाक ऐसा शादी करने से पहले नहीं देखा था, बात करता है थूक निकलती तो क्या हो गया, पहुंच लो तो क्या हो गया, पहुंच लो आदि हो जाओ, अभिषेक समझ लो। अरे ये जो मुंह से निकल रहा है वाचा से बड़ा है क्या, जीवन भर परमेश्वर को वायदा किया अब थूक की बात कर रहे हो। मुझे नाक में हाथ डालने का याद आ
अब वो बैठ के ताक रही है, अब ये कहाँ कहाँ उंगली लगाएगा। अपने पड़ोसी से को वाचा को स्मरण रखो, वाचा को स्मरण रखो, किसके आगे हाथ पकड़ा था, किसके आगे हाथ बांधा था, किसको वचन दिया था, उसके आगे जीवन भर विश्वास योग्य रहना। परिवार जीवन स्वर्गीय जीवन का अनुभव, और आपकी पीढ़ियां प्रगतिशील होंगे, पराक्रमी होंगे, उसके घर में धन संपत्ति रहेगी, कोई सुराख वहां लगेगा नहीं। वो जो पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग पे बंधेगा, जो यहां खोलेंगे स्वर्ग में खुलेगा। ये दो जन एक चित होके जो कुछ मांगेंगे वो उनके लिए पूरा हो जाएगा। और सब ने कहा बोलो प्रभु यीशु के, हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर अगर कोई सबसे सामर्थी यूनिट या कोई गठजोड़ है वो है पारिवारिक गठजोड़। हालेलुया। इस परिवार की एकता में ईश्वरीय उद्देश्य एकता थी। क्या थी? बोलिए एकता, बोलिए एकता, एकता, बोलिए यूनिटी, परिवार में एकता। आमेन। परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है मेरे जीवन में, मेरे परिवार में और सब ईश्वरीय परिवार में, यीशु के नाम में पूरे होंगे, ऐसे ही हो। कोई परिवार टूटा हुआ नहीं होगा, कोई परिवार बिखरेगा नहीं। तलाक ऑप्शन नहीं है। परमेश्वर ने जब तक मृत्यु अलग ना करे तब तक जोड़ा है। आमेन। बोलो प्रभु यीशु की। एक दूसरे को आशीष दो, एक दूसरे को आशीष दो। वो एक एक दूसरे परिवार के लिए प्रार्थना करो, आशीषित कीजिए, आशीषित करिए, आशीषित। हालेलुया। परिवारों के लिए प्रार्थना करें। प्रिय भाई एक दूसरे के ऊपर हाथ रखिए, प्रिय बहन एक दूसरे पर हाथ रखिए। पारिवारिक आशीषों को मांगिए, पारिवारिक आशीषों को दीजिए। हर एक परिवार उन्नति करेगा, हर एक परिवार आशीषित होगा, एक एक परिवार बलवान और सामर्थी होगा, कई परिवार मिलके कलीसिया बनती है। बोलिए मजबूत परिवार, बलवंत परिवार, सामर्थी परिवार, सामर्थी कलीसिया। ये परिवार ईश्वरीय परमेश्वर की सामर्थी कलीसिया की प्रतीक है, यीशु के नाम में। और ये परिवार, ये कलीसिया आशीषित है। बोलो प्रभु यीशु की जय। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। ईश्वरीय परामर्श के विरोध में हम नहीं जाएंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, आपका परिवार आने वाली पीढ़ियों में लोग जानेंगे। परिवार की सामर्थ को देखते हुए मैं आपको बताता हूँ, बिना वचन दिए, बिना किसी गवाही के, एक अविश्वासी परिवार जो मकान मालिक थे, उस किराएदार के यहाँ देखा। वो लोग काफ़ी पैसे वाले थे, ये बेचारे मुश्किल से किराए दे पाते थे, लेकिन पति दारू में और गंदगी में चला गया। एक दिन इसी मंडली में वो आया, मैं देखता था उनको दूर से, ऐसे आता था, ऐसे नीचे डालता था, ऐसे करता था और प्रार्थना में आके बैठता था। मैं कुछ नहीं बोला, मैंने कोई भाषण नहीं दिया, बस आता था जाता था। परिवार टूटा हुआ, कई सालों से नौकरी नहीं। वो बहन कोई छोटे से काम करके अपने परिवार को चलाते थे, आंसू आंसू थे। बच्चे कई महीने होते थे उस पिता के मुंह को देखे हुए, वो यहीं आए वापस गए। लेकिन उस आने में और वापस घर जाने में कुछ काम हो गया। जब वो गांव गए, जब अपने रहने के स्थान में गए, वो पति कुछ रूपांतर हो गया, कुछ बदल गया, सारे दुष्टता के प्रभाव हट गए और यीशु ने अपना सिंहासन लगा लिया। आमेन। यहाँ कितने बैठे हैं जिनके हृदयों में यीशु का सिंहासन है?
भाई और बहन सुन लो, यीशु ऐसे ही नहीं आके बैठा है, वो अपने प्रभाव को डालने लगा। उसने प्रभु ने प्रभु को अपना लिया, पाप क्षमा मांग लिया, और वो यीशु की चमक, उसकी ज्योति, उसका प्रकाश, प्रेम, आनंद, शांति, उसका आत्मा, पवित्र आत्मा उसके आत्मा में प्रवेश हो गया। मैं तब तक उसको मिला नहीं था, मैं जाना नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई। कुछ महीनों के बाद जब वो घर पहुंचा, नौकरी तब भी नहीं थी, जैसे ही घंटी बजी, दरवाजा खोला, पत्नी ने एक बार देखा, एकदम उसे पता चल गया कुछ है अंतर। इतने वर्ष के विवाह में अपने पति की आंखों में वो प्रेम, अपनापन उसने अभी तक नहीं देखा था। उसे तो यही याद है, नशे के धुत होके आता था। कैसा नशा दूर किया पता नहीं। यीशु अंदर आया, उसे नशे की आवश्यकता नहीं है, अपनी आदतों से मजबूर था। मैंने बताया ना, ऐसे आता था। मैंने नहीं कहा सिगरेट छोड़, दारू छोड़। जब यीशु आता है तो सफाया करता है। बोलो प्रभु यीशु की जय। आपके जीवन में यीशु है ना, उसे अपनी आंखों से देखने दो, उसको आपके मुंह से बोलने दो, उसको अपने हाथों से छूने दो। उसी दिन सुबह वो बच्चों को लेके पार्क चला गया, फिर शाम तक खेले, फिर वापस। नौकरी अभी भी नहीं है। एक दिन, दो दिन, तीन दिन ये माजरा देखने के बाद जो पड़ोसी बहुत रईस थे, जो मकान मालिक थे, उससे रहा नहीं गया। वो बहन अंदर आई, दरवाजा खटखटाया, जब वो पति घर पे नहीं था। बोले बहन क्या हुआ, नौकरी तो अभी भी नहीं है, काम धाम अभी भी नहीं है, लेकिन ऐसे लगता है कि तुम्हारे घर में स्वर्ग उतर आया है। क्या है ये, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी जो तुम्हारे पास है नहीं, मुझे वो चाहिए। उसने कहा यीशु आया है। आमेन, हालेलुया। कौन आया है? यीशु आया है। उद्धार पाए हुए हमें कितने दिन हो गए, क्या हम उस यीशु को काम करने देंगे? क्या उस पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन चलाने देंगे? कितने बोलते हाँ, अगर ऐसा है वो आपके जीवन को फेरने वाला है, वो आपको एक अजूबा बनाने जा रहा है, वो आपको एक उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाने वाला है। मेरे प्रियो, आज उसे थाम लीजिए, आज एक नए नजरिए के साथ अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपिए, अपने पैरों के बल खड़े हो जाएं, जल्दी समर्पित, समर्पित अवस्था। मैंने कहा ना, कोई भी सिद्ध नहीं है मेरे समेत। अगर आपको लगता है कि आज जो संदेश सुना है उसके अंदर ईश्वरीय इच्छा से इधर उधर थोड़े बहुत भी हुए हैं, चाहे आप कितने वर्ष से प्रभु में हैं, कोई भी सिद्ध नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन आज आपसे, आपके हृदयों में दस्तक दिया है। अगर ऐसा है, आज प्रभु के आगे अपने आप को समर्पित करें, आज अनुग्रह मांगिए। वो बहुत आयत से अनुग्रह देने के लिए तैयार है। वो नक्शा बदलना चाहता है आपके व्यक्तिगत जीवन का, आपके परिवार जीवन का, आपके भविष्य का, आपके पीढ़ियों का। विषय यह है कि आप नक्शा बदलने उसे देंगे। हालेलुया। कितने चाहते हैं एक नई अवस्था मेरे जीवन में, अपने हाथों को ऊपर उठाएं, परमेश्वर से कहें हाँ प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर करुणा कर। प्रभु यीशु, आप ही मेरे जीवन के दाता हैं, आपने अनंत काल का वाचा बांधा है, आपने मेरे लिए अपने आप को बलिदान किया है, आपका लहू मेरे जीवन के छुटकारे के लिए, मेरे जीवन के मोल के रूप में आपने दिया है, और आपका लहू का वाचा, आपका लहू का वाचा मेरे जीवन का छुटकारे का मोल है। हे प्रभु यीशु, मैं बहुत सी बातें आपके वचन के अनुसार परिवार जीवन के विषय में मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन आज आपके वचन ने मेरे मन की आंखों को खोल दिया है। आज मैं समर्पित करता हूँ आज मेरे जीवन को एक नए सिरे से। प्रभु मैं आपको, अपने आप को और अपने जीवन साथी को मैं ऐसे देखता हूँ। प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में, मेरे जीवन साथी के जीवन में, मेरे परिवार में पूरा होने पाए, और मैं चाहता हूँ प्रभु स्वर्ग का प्रभाव, स्वर्ग की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा आपके सामर्थ्य के द्वारा मेरे जीवन के अंदर, परिवार जीवन के अंदर सामर्थ्य के साथ प्रकट होने पाए। हम सारी महिमा प्रभु यीशु आपको देते हैं। जाने अनजाने में जहाँ कहीं हम चूके हैं, आज अपने करुणा में
अपनी दया में हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दीजिए प्रभु यीशु। एक नए कदम, एक नई अवस्था आज से, इस घड़ी से मेरे जीवन में, मेरे परिवार जीवन में आरंभ होता है। आपकी पूरी मंशा, जो आपकी इच्छा स्वर्ग में है, वो मेरे जीवन में, मेरे परिवार जीवन में और मेरे जीवन के द्वारा, परिवार जीवन के द्वारा जो आपका उद्देश्य है वो पूरा होने के लिए मैं समर्पित हूँ और मैं उसकी पूर्ति को देखूँगा यीशु के नाम में। बोलो प्रभु यीशु के। मेरे प्रियो, इससे पहले आप परमेश्वर को धन्यवाद दें, ताली बजाएं, कुछ करें, इससे पहले सुन लीजिए। अब आप केवल अपने परिवार के लिए नहीं, आप बहुत तेरे परिवारों के लिए आशीष बन चुके हो। अब आप दूसरों को ब्लेस करने के लिए, दूसरों को आशीष देने के लिए आप सशक्त हो चुके हैं। आमेन, हालेलुया। प्रभु को महिमा दे, प्रभु को महिमा दे, प्रभु को महिमा। जय मसीह की सबको। हम सब लोग बैठ सकते हैं। प्रभु को महिमा हो इस अद्भुत वचन के लिए। मुझे आशा है हम सबों ने कुछ ना कुछ जरूर सीखा है और हम इसे लेकर आज घर जाने वाले हैं। आमेन। तो क्यों ना कुछ गवाहियों की ओर बढ़े, लेकिन उन गवाहियों को सुनते हुए हमें ना सिर्फ उन्हें सुनना है पर ग्रहण भी करना है एक उत्साह के साथ। क्या आप लोग उत्साहित हैं? इतनी कम उत्साह, क्या आप लोग उत्साहित हैं? आमेन। तो जैसे एक बहन गवाही देती हैं, उनकी गर्दन में 2020 से दर्द रहता था। उन्होंने बहुत दवाइयाँ ली, सारा इलाज करवाया पर दर्द नहीं गया। इसकी वजह से उनके हृदय में बहुत चिड़चिड़ाहट रहती थी, वो बहुत चिड़चिड़ी थी और छोटी छोटी बात का बुरा मान जाती थी। कुछ समय पहले उन्होंने क्षेत्रीय प्रार्थना में भाग लिया और वहाँ एक वचन उन्हें मिला जिसमें लिखा था, प्रेम ढहा नहीं करता, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम सब बातें सह लेता है। ये वचन उन्हें बहुत अच्छा लगा और परमेश्वर ने उनके हृदय को छुआ। उन्होंने इस वचन को ग्रहण किया और इसको लगातार बोलना शुरू कर दिया अपने जीवन पे। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए, अपना ये स्वभाव मुझे अब नहीं चाहिए। और ऐसा ही हुआ। कुछ समय बाद उन्हें महसूस होने लगा कि उनका व्यवहार बिल्कुल बदल गया है और उनका गर्दन का दर्द भी अपने आप धीरे धीरे करके ख़त्म हो गया। उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या करने से उनका दर्द गया। क्या हम लोग भी ऐसा ही नहीं है? हम भी शायद अभी कुछ समस्याओं से जूझ रहे होंगे। परमेश्वर हमारे व्यवहार को भी शायद बदलना चाहता होगा, तो क्यों ना हम अपने व्यवहार को परमेश्वर के आगे सौंपें और उससे कहें, प्रभु तू हमें बदल दे। क्या हम लोग तैयार हैं? आमेन। एक और ऐसी ही गवाही है। बहन साक्षी बोलती है कि जब वो बोलती थी तो वो अटकती थी, मतलब वो साफ नहीं बोल पाती थी। उन्होंने इसके लिए अपने आप भी प्रार्थना किया और एक पड़ोस में एक विश्वासी आंटी से अपने लिए प्रार्थना करवाया और परमेश्वर ने उसी समय उन्हें छुआ और अद्भुत रीति से उनकी जो वाणी थी उसको साफ कर दिया। आज बहन बोलती है कि मैं बिल्कुल साफ रीति से बोल पाती हूँ और मैं बिल्कुल नहीं अटकती। आमेन। क्यों ना जोरदार तालियां हो जाए। आमेन। एक और गवाही है अनीता बहन की। कुछ समय पहले जब बहन एमी ने वचन दिया था उस समय उन्होंने एक भविष्यवाणी करी थी कि एक बहन अपने बेटे के लिए रो रो के प्रार्थना कर रही है और इस हफ्ते उनको एक अद्भुत रीति से परमेश्वर के कार्य दिखेंगे अपने जीवन में। बहन ने इस गवाही को ले लिया क्योंकि बहन अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती थी जो 5 साल से सरकारी नौकरी के एग्जाम दे रहा था। वो हर बार पास हो जाता था पर उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता था। बहन बहुत परेशान थी और रो रो के परमेश्वर के आगे उनके लिए प्रार्थना करती थी। बहन बताती हैं कि उसी हफ्ते उनके बेटे का सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो गया और आज उनका बेटा सरकारी नौकरी ज्वाइन कर चुका है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। इन गवाहियों को लेकर के हम अपने घर जाएंगे और आशा करेंगे कि बहुत सारे गवाह इसके द्वारा उत्पन्न होंगे। थैंक यू।
अब एक बहुत प्रमुख प्रमुख स्टेज और फेज में पहुंच गए हम, वो है बुआई का. कौन सा? बट बुआई से पहले जैसा कि हमने लास्ट वीक पिछले हफ्ते भी अनाउंस किया था, समर मेनिया 2023. क्या? जो बच्चों के लिए है, बच्चे क्लास कौन से क्लास स्टैंडर्ड, कौन सा स्टैंडर्ड, फर्स्ट से लेकर टेंथ तक. आज 18 जून है, लास्ट रजिस्ट्रेशन का दिन है. जिन्होंने अपने बच्चों का नाम नहीं दर्ज करवाया, रजिस्टर नहीं किया, आज लास्ट डे है, प्लीज़ रजिस्ट्रेशन कर दें. 22, 23 और 24 जून को ये होने वाला है. सुबह कितने बजे से बच्चों? 10 बजे से 3 बजे तक, 10 से, और लंच यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा. तो आज जल्द से जल्द, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, आज कर दें, क्योंकि आज के बाद ये नहीं हो पाएगा. तो प्लीज़ विनतियाँ मत करना, फ़ोन मत करना कि हम भूल गए. ठीक, क्यों ना हम आपके साथ कॉपरेट करें और आप हमारे साथ, ऐसा हो सकता है? बोलो प्रभु यीशु की. जिससे पहले कि हम दान भेंट और दशमांश की ओर बढ़े, हाँ हम दशमांश के विषय में जानते हैं, हम दान भेंट में भाग लेते हैं. दशमांश के विषय में आप जानते हो, हाँ या नहीं? क्या वो प्रभु के वचन के अनुसार एक आज्ञा है या नहीं है? और हम उसमें भाग लेते हैं, और उसकी आशीषों से हम वंचित नहीं है, हम आशीषित हैं. और जब हम हृदय से उत्साह के साथ बीज बोते हैं, उसकी भी आशीष परमेश्वर हमें देता है, हाँ या नहीं? पर मैं एक वचन की ओर आपका ध्यान आज लेकर जाना चाहता हूं. उत्पत्ति में याकूब परेशान, हताश, अब वो एक यात्रा पर है अपने जीवन में, और उसके जीवन में एक ऐसा पल आता है, थक गया वो भाग कर दौड़ कर, और वो लेटा हुआ है, और जब वो विश्राम कर रहा है, वो एक स्वप्न को देखता है. कितनों को याद है ये? और स्वप्न में क्या देखता है? एक सीढ़ी जा रही है कहां को? स्वर्ग की ओर. और उस सीढ़ी में से कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे आ रहा है. कौन? स्वर्ग दूत. और परमेश्वर स्वयं सीढ़ी के ऊपर द्वार पे खड़े, और परमेश्वर ने उसे वाणी दी. उत्पत्ति 28 के 13 में लिखा है, प्रभु उसके पास खड़ा होकर कह रहा है, मैं तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, तेरे पिता इजाक का परमेश्वर प्रभु हूं. जिस भूमि पर तू लेटा है, उसमें तुझे और तेरे वंश को मैं प्रदान करूंगा. तेरे वंशज पृथ्वी के राजकणों के सदृश असंख्य होंगे. तेरा वंश उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में फैल जाएगा. पृथ्वी के समस्त कुटुंब तेरे और तेरे वंश के द्वारा मुझसे आशीष पाएंगे. देख, मैं तेरे साथ हूं, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा. मैं तुझे इस देश में वापस लाऊंगा, और जो बातें मैंने तुझसे कही हैं, जब तक उनको मैं पूरा ना करूं, तब तक तुझे नहीं छोड़ूंगा. ये प्रभु का वायदा उसके लिए. क्या परमेश्वर के वायदे हैं आज हमारे जीवन के लिए, हैं या नहीं? और उसके वायदे के अनुसार क्या उसने हमें आशीषित किया है? अब देखते हैं कि याकूब की क्या प्रतिक्रिया हुई. याकूब जैसी नींद से बाहर आया, उसने कहा, निश्चय ही परमेश्वर इस स्थान में है, उसकी उपस्थिति यहां है. और उसने बोला, ये प्रभु का घर है. और 20वें पद में पढ़ते ध्यान देते हैं, याकूब ने क्या क्या कहा. याकूब ने यह मन्नत मानी, परमेश्वर यदि तू मेरे साथ रहेगा और मेरे इस मार्ग पर जिस पर मैं चल रहा हूं मेरी रक्षा करेगा, मुझे खाने को और रोटी और पहनने को वस्त्र देगा. मेरे पीछे बोलो, परमेश्वर यदि तू मेरे साथ है और जिस मार्ग पर मैं हूं, अगर तू मेरी रक्षा करेगा, खाने को रोटी और पहनने को वस्त्र देगा, कि मैं सकुशल अपने पिता के घर लौट सकूं, तो तू प्रभु ही मेरा परमेश्वर होगा. आमेन. और कितने कहते हैं, जो आपने अभी घोषणा की, प्रभु आपके लिए कर रहा है. क्या आपको खाने के लिए रोटी वो दे रहा है, पहनने के लिए कपड़े वो दे रहा है? इसका मतलब उसकी आशीष आपके ऊपर है. आमेन.
और फिर वो कहता है 22 में कि ये पत्थर जिसे मैंने स्तंभ के रूप में खड़ा किया है परमेश्वर का ये भवन बनेगा और जो कुछ तू मुझे प्रदान करेगा उसका दशमांश मैं तुझे अर्पित करूंगा। मैं आपका ध्यान आज इसी पद पर लेकर आना चाहता हूं। ये जो हुआ याकूब के जीवन में, आपको पता है दशमांश प्रायोगिक रीति से वचन में कब कहा गया कि दशमांश दो? याकूब के समय में नहीं, कब नहीं, दशमांश कब देना? सारी प्रजा ने, सारे प्रभु के सब लोगों ने दशमांश देना कब आरंभ किया? कब आरंभ किया? दशमांश देना कब चालू किया लोगों ने? अब्राहम ने दिया प्रकाशन के द्वारा, याकूब ने दिया प्रकाशन के द्वारा, पर आज्ञा कब दी गई कि सबको दशमांश देना है? हाँ, किसके समय में? मूसा के समय में। मूसा के समय में जब आज्ञाएं दी गई, सबको आज्ञा दी गई कि सिर्फ कुछ लोग क्यों आशीषित हो, सबको आशीषित होना है, तो वो आज्ञाएं फिर क्या हुई? सबके लिए लागू हो गई। पर मैं क्या कह रहा हूं, आज मैं आपका ध्यान कहां केंद्रित करना चाहता हूं? कुछ लोगों को प्रकाशन मिला, कुछ लोगों ने क्या कहा कि प्रभु अगर तू मुझे आशीषित करेगा, अगर ये तू जो तू कह रहा है, ये जो तेरा वायदा है, अगर ये सच्चा है, तो आज हम अपना हृदय खोलते हैं और हम कहते हैं कि आपके साथ हम सहकर्मी हो जाएंगे। याकूब ने क्या बोला? मैं जो कुछ तू मुझे देगा उसका दसवां भाग मैं तुझे दूंगा। हाँ, आज यहां उपस्थित आप लोग हो, आप दशमांश में भाग लेते हो, आप दान भेंट और बीज बोते हो, हाँ या नहीं? पर मैं आज आपको कुछ और कहना चाहता हूं। क्या कोई है जो याकूब के समान ये कह रहा है, हाँ मेरा काम है, मेरा बिजनेस है, प्रभु ने मुझे आशीष दी है, और आज कोई है जो ये कहता है कि जो मैं कर रहा हूं इसके अलावा, इससे हटकर, क्योंकि तू अपने वायदे का पक्का है, मैं हर महीने तेरे साथ सहकर्मी होना चाहता हूं। दशमांश तो आ गया है, बीज हम बोते हैं अपनी इच्छा से। क्या कोई है जो ये कह रहा है आज याकूब के समान, क्योंकि तूने मुझे आशीष दी है, ये जो बिजनेस तूने मुझे दिया, ये जो काम तूने मुझे दिया, ये तूने मुझे दिया, और उसको याद करते हुए आज से हम आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे, इन सब से हटकर, ये मैं वायदा करता हूं प्रभु। और अगर कोई भी है आज हमारे बीच जो ये कर सकता है, या प्रभु उनके हृदय में अगुवाई कर रहा है, खासतौर से जो बिजनेस में है, याकूब बिजनेस करता था और उसने प्रकाशन के द्वारा एक कमिटमेंट को रखा, और आज मैं आपको बस प्रोत्साहित करना चाहता हूं। अगर आप में से कोई है जिसके हृदय में प्रभु आज दस्तक दे रहा है, आपको स्पर्शित कर रहा है, आपकी अगुवाई कर रहा है, मैं कहूंगा आप बेझिझक विश्वास के साथ कूद जाओ, क्योंकि जो आशीष आपको मिलेगी इसके द्वारा, वो कोई छीन नहीं सकता आपके जीवन से, और उसके फल को आपके चारों ओर लोग देख पाएंगे। आमेन। तो क्यों ना अपने बीज को हम अपने हाथ में थामें जो आज बोना चाहते हैं। याद रखना, ये जो मैंने बोला है, इतने वर्ष में, बीते हुए वर्ष या आज तक, और ये आगे तक होता रहेगा, यहां कुछ भी होता है, कलीसिया कोई भी कदम लेती है, याद रखना यहां कोई कुछ नहीं मांगेगा, कोई डोनेशन नहीं चलेगा यहां, क्योंकि प्रभु ने इस कलीसिया को स्थापित किया है और वो हमारी जरूरतों को पूरी करेगा। और अगर कोई है जो उत्साह के साथ, हर्ष के साथ खुद कहता है कि अगर प्रभु ने मुझे इतनी आशीष दी है, मैं क्यों रुकूं इतने में, तो आप खुद प्रभु के साथ एक वायदा और एक वाचे को बांधो, हमें मत बताओ, वो आपके और प्रभु के बीच होना चाहिए। हम नहीं चाहते आप कोई पार्टनरशिप फॉर्म भरो ताकि हर महीने अगर आप भूल गए और हम आपको याद दिला रहे, नहीं, ये नहीं चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए हमें, ये वायदा आपके और प्रभु के बीच है, उसे गुप्त रहने दो ताकि प्रभु आपको गुप्त में और खुले में आशीष दे। आमेन। क्यों ना अपने बीज को हम थामें। प्रभु आपका धन्यवाद इस बीज के लिए जो हम बोने वाले हैं,
मेरे पीछे बोले, परमेश्वर आपका धन्यवाद, हमारा हृदय खुला है। वो उदारता जो आपने हमारे प्रति दर्शाई, प्रभु हमारा हृदय उदारता से भरपूर रहे, उदारता का जीवन हमारी जीवन शैली बन जाए। और प्रभु जब हम अपना बीज, मेरे पीछे बोलो, जब हम अपना बीज प्रभु तेरे राज्य में बोते हैं, तो प्रभु आपकी महिमा के अनुसार हम फल काटेंगे। हमें विश्वास है जो कुछ तूने हमें दिया है वो दुगुना होगा, वो चार गुना होगा और वो बढ़ता चला जाएगा। जहां हमारा एक मकान है वहां हम दो को देखेंगे, जहां दो है हम चार को देखेंगे, जहां हमारी एक गाड़ी है हम दो वाहन को देखेंगे, जहां दो है हम चार को देखेंगे, ताकि हम अपने आसपास के लोगों को आशीषित कर सके। इस उमड़ती हुई आशीष को हम अपने घर तक सीमित नहीं रखेंगे, हम आशीष के कारण हैं और रहेंगे, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। बोलो प्रभु यीशु की। जरूर शेयर करें हमारे साथ, हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है 9311417955। अगली मीटिंग बुधवार शाम 6 बजे होगी, आप जरूर आएं, जरूर भाग लें। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए ऑनलाइन और आने के लिए। बाय।